अच्छा, लास्ट क्लास में हमने जो काउंटिंग प्रिंसिपल का टॉपिक था उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज थी उसको सॉल्व किया था। 6.2 के बहुत क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे जिनके लिए आपको काउंटिंग प्रिंसिपल समझना जरूरी था। लेकिन 6.2 में ऐसे आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिनमें परमोटेशन का कॉन्सेप्ट है। अब सबसे पहले जहन में चीज आती है परमोटेशन होती क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट है इसका। फिर परमोटेशन के अंदर रूल्स आते हैं। अब रूल्स के अंदर सिर्फ फॉर्मूले नहीं है, फॉर्मूलों की अंडरस्टैंडिंग है कि यार ये फॉर्मूला क्यों हम यूज कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप सर्कुलर परमोटेशन है तो उसमें क्या फर्क होगा। अच्छा, अगर चीजें सेम हैं और फिर आपने अरेंज करना है, अच्छा अरेंज क्या होता है। तो ये परमोटेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चों को मुश्किल भी लगता है। तो मैंने लास्ट ईयर में जैसे मैंने आप लोगों को बताया वो रिकॉर्ड कर लिया था। तो इस लेक्चर में आप, ये पूरा लेक्चर है ऑल अबाउट परमोटेशन, कि परमोटेशन क्या होती है, उसके रूल्स डिटेल में मैंने पूरे समझाए हुए थे लास्ट टाइम, वो मैंने सब एडिट करके लगाए हैं। तो इस लेक्चर में आप लोगों ने बस परमोटेशन को सीखना है कि क्या चीज है, इसका कॉन्सेप्ट समझना है और इससे रिलेटेड जो जो मैंने बातें बताई हैं उन सबको आपने समझना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 6.2 के हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनके लिए परमोटेशन सीखना आपको जरूरी है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह 6.3 पे हम मूव कर जाएंगे। तो अब आप लोग परमोटेशन को समझो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लेना। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने 7.1 जो है वो कंप्लीट कर ली थी। इस दफा 7.2 स्टार्ट करेंगे। 7.2 का बच्चों जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक कहलाता है परमोटेशन का। अब परमोटेशन जो है ये आपको चैप्टर के नाम में भी नजर आ रहे हैं, परमोटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहला सवाल ये है कि परमोटेशन होता क्या है या होती क्या है। इस बहस पे नहीं पड़ेंगे कि परमोटेशन होता है होती है, असल चीज ये कि है क्या वो, ठीक है। वैसे परमोटेशन होती है। अच्छा देखो, ये परमोटेशन आमतौर पर जब टीचर्स हैं वो डायरेक्ट करवाते हैं परमोटेशन, प्रोडक्ट प्रिंसिपल नहीं बता रहे होते। वो ये बता देते कि मल्टीप्लाई करना है 7.1 में, लेकिन बकायदा प्रोडक्ट प्रिंसिपल का नाम और स्टेटमेंट वो नहीं बताई जाती। असल फोकस रहता है परमोटेशन और कम्बिनेशन के ऊपर, और नाम में भी ये लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यह आपसे मजाक हुआ है, परमोटेशन कम्बिनेशन की कोई औकात नहीं है, प्रोडक्ट प्रिंसिपल असल इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? ये आप खुद अभी देखोगे कि परमोटेशन का फॉर्मूला, कम्बिनेशन का फॉर्मूला ये उससे ही आ रहा है, प्रोडक्ट प्रिंसिपल से ही आ रहा है। मैं जब आप लोगों को फॉर्मुला डिराइव करवाऊंगा, छोटी सी डेरिवेशन है, तो आप खुद ऑब्जर्व करोगे प्रोडक्ट प्रिंसिपल इनका बाप है। सबसे पहली चीज आपने प्रोडक्ट प्रिंसिपल पढ़ना है। अगर वो आपको समझ आ गया फिर आपको परमोटेशन भी समझ आएगी, कम्बिनेशन भी समझ आएगी। तो मेन चीज यहाँ पे प्रोडक्ट प्रिंसिपल है, जो आमतौर पर स्टूडेंट को पता ही नहीं होती कि प्रोडक्ट प्रिंसिपल है क्या, जो मैंने आप लोगों को काउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर ये डिटेल में बताया था क्या चीज होती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों को डिफरेंस फाइंड करने में आसानी हो कि यार जो प्रोडक्ट प्रिंसिपल है और जो परमोटेशन है इसमें फर्क क्या है। ये आगे जाके जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपके जहन में सवाल आ सकते हैं। तो आप ये बात ऑब्जर्व करोगे कि प्रोडक्ट प्रिंसिपल जो है उसमें आपने हर किस्म के सवाल सॉल्व किए थे। बेसिकली प्रोडक्ट प्रिंसिपल जो है ना वो एक जनरलाइज प्रिंसिपल है पूरा, जो कि बात करता है कि कोई भी दो इवेंट है, कोई भी तीन इवेंट है, उनको अगर आपने एक साथ परफॉर्म करना है तो कितने आउटकम हो सकते हैं, कितने तरीके से वो आप परफॉर्म कर सकते हो। वो आपको तरीके बताएगा, आपको पॉसिबिलिटीज बता रहा होगा। डिफरेंट क्वेश्चन आपने देखे थे, जैसे 7.1 में आप ये देख रहे थे कि विकेट कीपर सेलेक्ट करने के कितने ऑप्शन है फॉर एग्जाम्पल। फिर आपने वो सवाल देखा था जिसमें प्राइज आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, ये सवाल परमोटेशन से भी आप कर सकते हो। लेकिन एक स्पैरो वाला सवाल आपने किया था कि जिसमें मेरे आखिरी क्वेश्चन था 7.1 का वो, कि जिसमें पर्टिकुलर स्पैरो जो है दूसरा पार्ट था कि अलोन उसने बैठना ट्री के ऊपर। अब वो सवाल आप परमोटेशन से नहीं करोगे, ठीक है। इसी तरीके से डिजिट वाले सवाल थे, उसमें कुछ सवालों में रिस्ट्रिक्शन थी कि यार इवन होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, तो उसके लिए प्रोडक्ट प्रिंसिपल यूज करते हो। तो कहने का मतलब ये कि प्रोडक्ट प्रिंसिपल हर सिचुएशन में काम आ रहा होता है, कि जब भी दो तीन चार इवेंट को आपने एक साथ परफॉर्म करना है, आप उस इवेंट की कोई भी रिस्ट्रिक्शन हो, कोई भी शर्त हो, प्रोडक्ट प्रिंसिपल उसको कंसिडर करके आपको डायरेक्ट आंसर दे देता है। जबकि ये जो परमोटेशन है ना, ये बहुत ही स्पेसिफिक इसकी ये समझ लो डोमेन है, ये बहुत ही कम चीजों में आप परमोटेशन इस्तेमाल कर सकते हो। मसलन मेजोरिटी जगह परमोटेशन देखोगे जहां पे आपको ये वर्ड नजर आएगा अरेंजमेंट। आप 7.2 के मैक्सिमम सवालों में देखोगे आपको वर्ड नजर आएगा अरेंजमेंट का। परमोटेशन बेसिकली इसकी मेन डोमेन क्या है परमोटेशन की, कि यार ये चीजों की अरेंजमेंट मालूम करता है कि यार किस चीजों को, कितनी भी कोई भी चीजें आपकी गिवन है उनको अरेंज करने के कितने तरीके हैं, या अगर कोई गिवन चीजें हैं उसमें से आपने तीन चार सेलेक्ट की उनको अरेंज करने के कितने तरीके हैं। इसी तरीके से ऑर्डर मालूम करना है आपने कि फॉर एग्जाम्पल ए बी सी लिखा हुआ है, तो ए बी सी को कितने तरीकों से आप आपस में अरेंज कर सकते हो। तो बेसिकली परमोटेशन की मेन जो डोमेन है वो यही है कि अरेंजमेंट मालूम कर रहा होता है। तो दैट्स व्हाई आप इसको हर सिचुएशन में नहीं देखोगे। हर सिचुएशन में आप क्या इस्तेमाल कर रहे होते हो, प्रोडक्ट प्रिंसिपल इस्तेमाल कर रहे होते हो।
तो ये मेन आपको फर्क नजर आएगा प्रोडक्ट प्रिंसिपल और परमोटेशन के अंदर। तो अब जरा समझ लेते हैं, मैंने एक वर्ड बताया और मेरे ख्याल में वही काफी है परमोटेशन को समझाने के लिए, कि परमोटेशन एक अरेंजमेंट है लेटर्स की, डिजिट्स की, किसी भी चीज की अरेंजमेंट होगी वो, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन करवाता हूं, इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि परमोटेशन इज एन अरेंजमेंट। परमोटेशन जो है वो क्या है, एक अरेंजमेंट है, और मैं जो ब्रैकेट में लिखने लगा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विदाउट रेपिटेशन। ये नॉर्मली आपको बात नजर नहीं आती, ये बात आपने पढ़ी नहीं होगी ना कभी सुनी होगी, ये मैं बताऊंगा कि मैं क्यों लिख रहा हूं ब्रैकेट के अंदर विदाउट रेपिटेशन। तो परमोटेशन एक अरेंजमेंट है, विदाउट रेपिटेशन को छोड़ दो, इन अ डेफिनेट ऑर्डर, ऑर्डर मैटर करता है यहां पे, कि डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज करना है। इसको भी जरा मैं समझाऊंगा कि डेफिनेट ऑर्डर का मतलब क्या है यहां पे, इन अ डेफिनेट ऑर्डर टेकिंग नहीं डेफिनेट ऑर्डर ऑफ सेवरल ऑब्जेक्ट्स, सेवरल की स्पेलिंग यही होती है ना, डेफिनेट ऑर्डर है ऑफ सेवरल ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट आपको गिवन है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, टेकिंग सम और ऑल एट अ टाइम, पेन इंक कम है तो हम इसको हेडिंग बनाने के लिए यूज करेंगे, बस ब्लैक को यूज करेंगे। यार दो तीन इंपॉर्टेंट बातें जो आपने परमोटेशन के बारे में समझनी है। सबसे पहली बात, परमोटेशन होती क्या है, एग्जाम्पल देता हूं फिर बात समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपके पास तीन लेटर है, ए बी सी, तीन अल्फाबेट्स मैंने आपके सामने लिखी थी, मैं आपको बोलता हूं इनकी अरेंजमेंट मालूम करो, तो इनकी किस तरीके से आप इनको आपस में अरेंज कर सकते हो। सबसे पहली चीज, आप इनको इस तरह लिख सकते हो, ए बी सी, आप इसको लिख सकते हो ए सी बी, आप इसको लिख सकते हो बी ए सी, इसी तरीके से उल्टा कर दो इनको, बी सी ए, फिर आप लिखोगे सी ए बी, फिर आप लिखोगे सी बी ए। ये परमोटेशन ने हमें नहीं बताया, ये प्रोडक्ट प्रिंसिपल ने हमें बताया है, लेकिन परमोटेशन का भी फॉर्मूला क्योंकि प्रोडक्ट प्रिंसिपल से निकाला ना आपने परमोटेशन, तो ये प्रोडक्ट प्रिंसिपल में भी आपने देखा था, मैंने इसी सवाल को करवाया था कि आपने अगर तीन चीजों का अरेंज करना है तो कितने तरीके हैं, पहली प्लेस, दूसरी प्लेस, तीसरी प्लेस। पहली प्लेस में आप कोई भी तीन अल्फाबेट पुट कर सकते हो जो आपने पहली दफा पुट कर दिया, दूसरी प्लेस में कोई भी दो, फिर वन, मल्टीप्लाई करो सिक्स आएगा, ये सिक्स अरेंजमेंट मैंने आप लोगों के सामने लिखी है। तो ये प्रोडक्ट प्रिंसिपल ने बेसिकली बताया था। तो कहने का मतलब है जो डिफरेंट अरेंजमेंट है ना, इस अरेंजमेंट को आप क्या बोलोगे, परमोटेशन। तो परमोटेशन कोई मुश्किल चीज नहीं है, बस सिंपल अरेंजमेंट को आप कहते हो। अब अल्फाबेट की अरेंजमेंट है, नंबर्स की अरेंजमेंट है, या डिफरेंट सिचुएशन में आप बोलोगे बुक्स को अरेंज किया होगा या कहीं फ्लैग्स को अरेंज किया होगा, ये समझ लो मेन चीज क्या है, अरेंजमेंट है, परमोटेशन, सही है। अच्छा एक वर्ड होता है सिलेक्शन का, ये कॉम्बिनेशन में ज्यादातर हम यूज करते हैं, लेकिन सिलेक्शन का वर्ड परमोटेशन में भी आप यूज करते हो। क्यों, मैंने डेफिनेशन में एक चीज लिखी है, टेकिंग सम और ऑल एट अ टाइम। परमोटेशन में जरूरी ये नहीं होता कि जितने लेटर्स हैं उन्हीं को आपने अरेंज करना है, नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है जैसे आपने नंबर्स के अंदर देखा था कि गिवन नंबर फॉर एग्जांपल सेवन थे, लेकिन आपने थ्री डिजिट का नंबर बनाना था, सबका सेवन डिजिट गिवन है तो सेवन डिजिट का नंबर नहीं आप बना रहे थे, थ्री डिजिट का नंबर बना रहे थे। तो ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि जितने आपको अल्फाबेट गिवन है आपने सब यूज ना कर रहे हो, आपने कुछ यूज करने हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं दूसरी एग्जाम्पल आपको देता हूं, दूसरी एग्जाम्पल क्या होती है कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास कितने लेटर हैं, ये एग्जाम्पल इजी करनी है ना मुझे, तो मैं इसी एग्जाम्पल को कंसीडर करता हूं, मैं दो लेटर लेता हूं, पहले मैंने तीन दिए थे ना, मतलब जितने अल्फाबेट थे उतनी मैंने लिए थे, तो आपके पास ये अरेंजमेंट बनी थी। अब सिचुएशन ये कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास तीन अल्फाबेट है और मुझे दो को अरेंज करना है, कितनी पॉसिबिलिटी है मैं दो को अरेंज कर सकता हूं, प्रोडक्ट प्रिंसिपल से कर सकते हो आप, कैसे, दो के बनाने ना, पहली प्लेस पे कितने आ सकते हैं, तीन, दूसरी प्लेस पे कितने आ सकते हैं, दो, थ्री टू दा सिक्स, अभी भी सिक्स बनेंगे देख लेते हैं, ए बी, इसी तरीके से बी ए, फिर ए सी, सी ए, फिर बी सी, फिर सी बी, छह अरेंजमेंट आपके सामने। तो जरूरी नहीं होता कि जितने अल्फाबेट गिवन है उन्हीं को आपने अरेंज करना है, ये एक एप्लीकेशन है, या दूसरी एप्लीकेशन ये भी है कि अगर गिवन तीन है और आपने दो को अरेंज करना है कोई मसला नहीं, दो को भी कर सकते हो, गिवन दस है आपने उसमें से तीन पिक करना है कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तो ये अरेंजमेंट है डिफरेंट ऑब्जेक्ट की टेकिंग
सम अगर आप गिवन डिजिट में से कुछ डिजिट लो, मतलब तीन थे आपने दो ले लिए, दस थे आपने चार ले लिए, और ऑल एट अ टाइम, या अगर जितने डिजिट गिवन है सबको ही आप ले लो, जैसे यहां पे तीन गिवन थे आपने सबको अरेंज कर दिया आपस में, दोनों किस्म के सवाल में आप इसको अरेंजमेंट बोलोगे, दोनों किस्म के सवाल परमोटेशन के अंदर फॉल करेंगे। ठीक है, आखिरी चीज रहती है, अच्छा ऑर्डर भी मैटर करता है, डेफिनेट ऑर्डर को भी समझाया, तो पहले मैंने आपको वर्ड समझाया था अरेंजमेंट, फिर मैंने ये समझाया, अब मैं आपको समझा रहा हूं डेफिनेट ऑर्डर। इस डेफिनेट ऑर्डर का मतलब क्या है कि अगर मैं आपके सामने ए बी लिख रहा हूं और बी ए लिख रहा हूं, ये दोनों अलग परमोटेशन मानी जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमोटेशन में ऑर्डर मैटर कर रहा होता है, कि जिस ऑर्डर में आप चीज लिख रहे हो वो मैटर करता है। अगर ऑर्डर आपने चेंज किया तो परमोटेशन भी चेंज हो गई। अगर आपने ए बी लिखा है तो ये एक परमोटेशन मानी जाएगी, अगर आपने बी ए कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया, तो आप ये दूसरी परमोटेशन मानी जाएगी। तो ऑर्डर बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी है, आपने ए सी डी कर दिया, लेटर अल्फाबेट तो वही है ना, ऑर्डर चेंज हुआ बस इनका। इसी तरह बी ए सी, अगेन इन छह की छह परमोटेशन में आप देखोगे आपको जो लेटर्स नजर आ रहे हैं, अल्फाबेट नजर आ रहे हैं, वो एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ फर्क किस चीज का है, फर्क है इनके ऑर्डर का। तो परमोटेशन में ऑर्डर मैटर करता है। ये क्यों बार बार फोकस किया जा रहा है? क्योंकि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, दैट्स व्हाई यहां पे बताया जा रहा है कि ऑर्डर लाजमी मैटर करता है। कॉम्बिनेशन जब आप पढ़ोगे ना, मैं उसमें भी बताऊंगा, वहां ऑर्डर मैटर नहीं करता, वहां पे आप ए बी लिखो या बी ए लिखो, ये एक ही कॉम्बिनेशन मानी जाएगी, लेकिन परमोटेशन में ये दो परमोटेशन मानी जाएंगी क्योंकि परमोटेशन का ऑर्डर मैटर करता है। अब आखिरी चीज है, और ये वो चीज है जो आमतौर पर आपको आसानी से मिलेगी नहीं नेट पे, या कोई टीचर आपको बताएगा नहीं, और आमतौर पे इसको परमोटेशन के अंदर ही डाल दिया जाता है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, आपने 7.1 में देखा था डिजिट्स वाले क्वेश्चन में कि रिपीटेशन आप अलाउड करते थे, तो याद रखना जब रिपीटेशन अलाउ होती है ना, तो वो कोई परमोटेशन का सवाल नहीं होता। ये बोलने में आता है कि परमोटेशन विद रिपीटेशन, परमोटेशन विदाउट रिपीटेशन, हालांकि अगर आप इसको प्रॉपर समझो ना इस बात को, तो परमोटेशन के अंदर रिपीटेशन हो ही नहीं सकती। ये रिपीटेशन वाला केस है ही प्रोडक्ट प्रिंसिपल का, वो इसलिए क्योंकि जो प्रोडक्ट प्रिंसिपल नहीं बताएगा आपको, तो फिर रिपीटेशन वाला केस वो परमोटेशन के अंदर डाल देगा। तो जिसने प्रोडक्ट प्रिंसिपल पढ़ा है वो जानता है कि रिपीटेशन जो है वो प्रोडक्ट प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है, परमोटेशन की नहीं है। क्यों नहीं है, मैं रीजन आपको बता देता हूं, क्योंकि परमोटेशन एक अरेंजमेंट है, चीजों की अरेंजमेंट आप कर रहे हो। अब अरेंजमेंट फॉर एग्जाम्पल मैं ए बी सी की कर रहा हूं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि इसमें रिपीटेशन होगी? भाई ए अगर एक दफा आ रहा है तो दोबारा आप यूज नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते ए ए बी, ये आप कैसे यूज करोगे? क्योंकि जो गिवन चीजें हैं आपने उनको आपस में अरेंज करना है। इसको आप प्रैक्टिकली बात समझो कि फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स है आपका ए, एक बॉक्स है बी, एक बॉक्स है सी, आपने उनको अरेंज करना है। तो बॉक्स ए जो है अगर आपने पहली प्लेस पे यूज कर लिया, आप उस बॉक्स को दूसरी प्लेस पे कैसे यूज करोगे? नहीं यूज कर सकते। तो ये जो परमोटेशन है, अरेंजमेंट है, चीजें आपके पास गिवन है उनको आपने अरेंज करना है। एक केस होता है जिसमें चीजें जो है वो आपस में सेम होती है, वो अलग केस है, वो विद रिपीटेशन नहीं कहलाता। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये चीज लिखी हुई हो, ये भी परमोटेशन करोगे। अब ये गिवन सर्कमस्टांसेस में ए आपको गिवन है कि दो ए आते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है साल, इसके अंदर दो ए आते हैं, आपको बोला जाए कि सात को अरेंज करो, तो अब ये नहीं आप बोलोगे कि परमोटेशन विद रिपीटेशन, ये इसके लिए बोलना ठीक नहीं है। इसको आप क्या बोलोगे कि चीजों को आपने अरेंज करना है लेकिन कोई चीजें जो है वो सेम है, आप इसको ये बोलोगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल परमोटेशन कराई जाएगी, ये गिवन चीजें है ना भाई, आपको नजर आ रही है, इनको आपने अरेंज करना है। ये कैसे पॉसिबल है कि आपको नजर ए बी सी आ रहा है और इसमें आप रिपीटेशन अलाउ कर दो कि यार तीनों पोजीशन पे ए आ सकता है? कैसे आएगा भाई, जब आपके पास ए है ही एक तो कैसे आ सकता है वो? तो ये क्या चीज है, ये प्रोडक्ट प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है। लेकिन आमतौर पे इसको आप गूगल पे देखोगे, आप बुक में देखोगे, आप हर जगह देखोगे, लिखा हुआ नजर आएगा परमोटेशन विद रिपीटेशन। ठीक है, लेकिन परमोटेशन विद रिपीटेशन ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है, परमोटेशन विदाउट रिपीटेशन ही कंसिडर की जाती है। इसी तरह कॉम्बिनेशन भी है, वो भी विदाउट रिपीटेशन है, विद रिपीटेशन अगर उसमें अलाउ करोगे ना आप, तो बहुत मुश्किल केस बनता है, वो भी मैं सिखाऊंगा, वो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा पाकिस्तान में, बाकी तो खैर दुनिया में तो चल रही है चीजें, पाकिस्तान में सिंध बोर्ड का तो एटलीस्ट टीचर ने नहीं बताया होगा, पंजाब बोर्ड का शायद किसी ने बताया हो, वो आपकी बुक में भी नहीं है, तो मैं फिर भी एक आइडिया दे दूंगा, कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन सबसे मुश्किल केस होता है वो, लेकिन उसमें भी जबरदस्ती आपने रिपीटेशन अलाउ की हुई है। परमोटेशन हो कॉम्बिनेशन हो, चीजों की अरेंजमेंट होती है, इसमें ऑर्डर मैटर करता है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन है ही अरेंजमेंट, तो रिपीटेशन इसके अंदर नहीं होती। ये केस डिफरेंट है, इसको आप ये नहीं बोलोगे रिपीटेशन। जैसे मैंने डिजिट वाला करवाया था उसमें क्या होता था, आप फॉर एग्जांपल इसमें रिपीटेशन अगर मैं अलाउ करूंगा तो इसका मतलब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल पहली प्लेस के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है ए बी सी, फॉर एग्जांपल आपने ए पुट किया है यहां पे,
अब ए दोबारा उठकर आ गया, मैंने डिजिट में क्या बताया था, रिपीटेशन में क्या होता है कि अगर आपने एक चीज पुट की दोबारा आ जाती है स्टॉक के अंदर, ये जैसे किसी बंदे ने यूज कर लिया एक ए को, ए दोबारा स्टॉक में आ जाएगा। तो दूसरी पोजीशन के लिए दोबारा ए बी में से सी में से कुछ भी पुट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने ए पुट किया, दोबारा आप इसको किसी जगह पे ए पुट कर सकते हो। तो ये चीज डिफरेंट है और ये चीज डिफरेंट है, इसको सेम नहीं कंसीडर करना, ठीक है। तो ये मैंने परमुटेशन के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। परमुटेशन में ऑर्डर बहुत मैटर करता है। दूसरी चीज, परमुटेशन एक अरेंजमेंट है, सब चीजों को आप अरेंज कर सकते हो या सब में से कुछ चीजों को आप अरेंज कर सकते हो, दोनों सिचुएशन में वो परमुटेशन ही कहलाए जाएंगे। अब सवाल ये है कि परमुटेशन का फॉर्मूला क्या है और डिफरेंट केसेस होते हैं परमुटेशन के, उस पर हम आते हैं। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी हुई है ना, मैं इन्हीं से समझाता हूं आपको बात। कि फॉर एग्जांपल, ये तो बहुत इजी एग्जांपल है यार, मैं थोड़ी डिफरेंट एग्जांपल आपको देता हूं। ये तो बहुत इजी एग्जांपल है, अच्छा फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डिजिट्स हैं, कंसीडर करते हैं, देखो मैथ के अंदर कितने डिजिट्स हैं, डेसिमल सिस्टम में मैंने आप लोगों को बताया था 10 डिजिट होते हैं, ठीक है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब आपको बोला जाए कि यार जो गिवन डिजिट्स हैं, इनसे आपने 4 डिजिट का पिन बनाना है। अगर आप मोबाइल पे एक पिन लगाते हो तो वो 4 डिजिट का होता है, आपको 4 डिजिट का पिन लगाना है। सबसे पहले मैं सवाल को प्रोडक्ट प्रिंसिपल से कर रहा हूं और फिर इसी सवाल से मैं परमुटेशन का फॉर्मूला बनाऊंगा, और जब फॉर्मूला आ जाएगा उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके डायरेक्ट भी इसका आंसर निकाल सकोगे, आपको प्रोडक्ट प्रिंसिपल की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इनिशियली आया फॉर्मूला प्रोडक्ट प्रिंसिपल से ही है, तो बाप प्रोडक्ट प्रिंसिपल ही है यहां पे। अब कितने तरीके से आप इन 10 डिजिट से 4 डिजिट का पिन बना सकते हो। अब मैं अगेन वही बात बोल रहा हूं, परमुटेशन एक अरेंजमेंट होती है। अरेंजमेंट होती है कि यार ये 10 डिजिट आपके पास गिवन है, इन्हीं को आपने आपस में अरेंज करना है, तो रिपीटेशन की सेंस बनती नहीं है। लेकिन अगर आप एक इमेजिनरी केस डिस्कस करो तो उसमें ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपने पहली प्लेस पे 5 पुट किया तो 5 आप दोबारा भी पुट कर सकते हो, मतलब रिपीटेशन उसके अंदर अलाउ हो जाती है। ये आपको चीजें मैंने फर्क बता दी, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने आइडली बता दी कि परमुटेशन विदाउट रिपीटेशन असल कॉन्सेप्ट है। आमतौर पर परमुटेशन विद रिपीटेशन भी बोला जाता है, आप कैटेगोरिकल गलत नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दी है। तो इस टॉपिक को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि 4 डिजिट का पिन बनाओ, तो यार जब आप मोबाइल पे पिन बनाते हो तो आप एक लेटर को दोबारा भी तो यूज कर सकते हो ना। फॉर एग्जांपल किसी ने एक पिन बना दी 2266, अब इसमें 2 दो दफा आ रहा है, 6 दो दफा आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है अगर आप बेवकूफ हो, आप एक ही लेटर को 4 दफा लिख दो, एक ही डिजिट को 2222 4 डिजिट, कुछ भी आप बना सकते हो ना। तो पिन बनाते हुए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको। तो आप किस तरह सॉल्व करोगे सवाल को, सवाल को सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि पहली प्लेस पे कोई भी 10 पुट कर सकते हो, दूसरी प्लेस पे कोई भी 10, दूसरी तीसरी पे भी 10, तीसरी पे भी 10, चौथी पे भी 10 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 10,000 10,000 पिन बना सकते हो आप। ये अब रियल एप्लीकेशन है परमुटेशन की, परमुटेशन नहीं बोलेंगे इसको, प्रोडक्ट प्रिंसिपल की। कि आपने क्या किया, आपने अगर मालूम करना हो कि यार ये 10 डिजिट है, मैं कितने पिन यहां से जनरेट कर सकता हूं, तो आप 10,000 पिन जनरेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उन पिन में क्या होगा, रिपीटेशन अलाउड होगी। मैंने बताया रिपीटेशन कोई परमुटेशन का केस नहीं है, तो अभी मुझे परमुटेशन का फॉर्मूला डिराइव करवाना है तो डेफिनेटली रिपीटेशन में कंसीडर नहीं कर सकता। तो विदाउट रिपीटेशन हम इस बात को देखते हैं। प्रोडक्ट प्रिंसिपल में तो डेफिनेटली रिपीटेशन हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, लेकिन परमुटेशन में विदाउट रिपीटेशन बहुत दफा बताया आप लोगों को। तो विदाउट रिपीटेशन अगर आप इसको कंसीडर करोगे तो आप क्या लिखोगे, आप कहोगे पहली प्लेस पे कोई भी मैं 10 पुट कर सकता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी एक डिजिट पुट कर दिया, अब रिमेनिंग कितने बचे, 9। आप सेकंड प्लेस पे कोई भी 9 पुट कर सकते हो, थर्ड प्लेस पे आप कोई भी 8 पुट कर सकते हो, फोर्थ प्लेस पे आप कोई भी 7 पुट कर सकते हो। तो प्रोडक्ट प्रिंसिपल मुझे बता रहा है कि कितने में पिन जनरेट कर सकता हूं, 10 × 9 × 8 × 7। ये प्रोडक्ट प्रिंसिपल ने मुझे बताया, जिसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है ऑब्वियसली। तो अब ये परमुटेशन का केस है। अब मैं इसको एक फॉर्मूले में जनरेट करता हूं और वो फॉर्मूला परमुटेशन का कहते हो, क्योंकि परमुटेशन अरेंजमेंट है और ये वाली चीज भी अरेंजमेंट ही है। अब फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, मैंने आप लोगों को फैक्टोरियल के अंदर एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर फैक्टोरियल लिखे हो फ्रैक्शन के अंदर तो आपने सिंप्लीफाई कैसे करना है, और अगर प्रोडक्ट लिखा हुआ हो उसको फैक्टोरियल में कैसे कन्वर्ट करना है। ये 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो था शुरू के लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी। तो अब ये आपको प्रोडक्ट गिवन है, आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। तो किस तरीके से कन्वर्ट करोगे,
प्रोडक्ट खत्म हो रहा है 7 पे 7 के बाद कौन सा नंबर आएगा 6, तो आप क्या करो आप 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दो। मैथ अलाउ करता है आपको कि अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाह रहे हो तो आपकी मर्जी, कुछ भी करवा दो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या किया 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब अगर आप न्यूमरेटर देखो तो न्यूमरेटर ये है पूरा 10 फैक्टोरियल। कैसे 10 फैक्टोरियल क्या होता है, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 4 3 6 5 4 3 2 1 तो एग्जैक्ट ये चीज तो गिवन है 10 9 8 7 और ये 6 फैक्टोरियल रोका हुआ आपने। 6 फैक्टोरियल को जब एक्सपेंड करोगे तो अब क्या आएगा 6 5 4 3 2 1 तो बेसिकली न्यूमरेटर जो है वो पूरा क्या है 10 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर तो 6 फैक्टोरियल। तो इस प्रोडक्ट को मैंने कन्वर्ट कर लिया किस फॉर्म में, फैक्टोरियल के फॉर्म में। क्यों कन्वर्ट किया, अब यहां से फॉर्मूला आपका आ जाएगा। फॉर्मूले के लिए दो वेरिएबल हम यूज करेंगे, उन वेरिएबल्स का पता होना चाहिए। एक वेरिएबल होगा n, दूसरा होगा r। n क्या होगा, n होगा टोटल ऑब्जेक्ट्स, आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स गिवन है आपको। ये समझ लो कि एक सेट होगा कि यार इस सेट के अंदर ये वाली सारी ऑब्जेक्ट्स हैं। अब अगर आपने कोई अरेंजमेंट करनी है तो इसी ऑब्जेक्ट में से आप निकालोगे और फिर उनको आपस में अरेंज करोगे, तो एन होगा टोटल गिवन ऑब्जेक्ट जो भी आपको गिवन है। और दूसरी चीज होगा आर, आर का मतलब कितनी आपने पिक करनी है। फॉर एग्जाम्पल 10 डिजिट थी ना, तो आपने कितनी पिक की है, आपने 4 डिजिट का बनाया ना, तो आर यहां पे क्या होगा 4 होगा। तो इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकिंग आर एट अ टाइम, कि एन ऑब्जेक्ट्स गिवन है और आपने एट अ टाइम आर लेना है। 10 ऑब्जेक्ट है आपने फॉर एग्जाम्पल 4 लिया तो आर 4 हो गया। 5 ऑब्जेक्ट है आपने एट अ टाइम 2 लिया तो 5 हो जाएगा एन, 2 हो जाएगा आर। जितनी आप पिक करते हो वो आर होता है, जितनी टोटल ऑब्जेक्ट्स है उसको आप क्या बोलते हो, एन बोलते हो। तो अगर आप ऑब्जर्व करो यहां पे कितनी ऑब्जेक्ट थी, 10 थी, तो मतलब 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, एन फैक्टोरियल। ओवरऑल सब ऑब्जेक्ट 10 थी जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो 6 फैक्टोरियल है मैं इसको एक और फॉर्म में भी लिख सकता हूं, जो 10 फैक्टोरियल है ना इसको, जो नीचे 6 फैक्टोरियल है मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, 10 माइनस 6 फैक्टोरियल, सॉरी 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। एक ही बात है, 10 माइनस 4 क्या होता है 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल को लिखने का एक और तरीका है 10 माइनस 4। अब अगर आप इस फॉर्मूले में देखो तो 10 यहां पे क्या है, नंबर ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट्स, तो n लिख दिया मैंने। अगेन नीचे 10 की जगह आप क्या लिख दो, n लिख दो, माइनस ये 4 क्या था यहां पे, 4 था कि आपने इतने डिजिट्स पिक किए थे, 10 डिजिट थे आपने पिक कितने किए थे, 4 किए थे, जिसको हमने नाम दिया हुआ था आर का, कि आप जितने पिक करते हो, तो 4 की जगह आप क्या लिख सकते हो, आर लिख सकते हो। ये बच्चों फॉर्मूला होता है परम्यूटेशन का, ये जनरल फॉर्म है परम्यूटेशन। नोटेशन क्या फॉर्मूले की, मशहूर नोटेशन यही है कि आप ऊपर एन लिखते हो नीचे आर लिखते हो, इस तरीके से एन पी आर। मतलब क्या होता है कि एन ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से आपने आर पिक की है, उसकी परम्यूटेशन कितनी है, ये फॉर्मूला आपको बताएगा, जिसको मैं लिखवा देता हूं डेफिनेशन की फॉर्म में, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकिंग आर एट आर टाइम। कि 10 ऑब्जेक्ट थी फॉर एग्जाम्पल, आपने 4 ले ली, 8 ऑब्जेक्ट है आपने 3 ले ली, तो 8 हो जाएगा एन, 3 हो जाएगा आर। ठीक है, ये बच्चों परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है, ये मेन फॉर्मूला है जिसको आपने कंसीडर करना है। और अब आपको ये बाखूबी बात समझ आ गई होगी कि परम्यूटेशन का फॉर्मूला कहां से आया, प्रोडक्ट प्रिंसिपल से। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रोडक्ट प्रिंसिपल है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला जो है इसको हमने मजीद मॉडिफाई करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला जाए कि यार पहला केस मैं आपको बता रहा हूं इस फॉर्मूले का, कि अगर आपको बोला जाए कि एन ऑब्जेक्ट है और आपने एन ही पिक करनी है, मतलब जितनी ऑब्जेक्ट है उसमें सारी आपने पिक करनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एग्जाम्पल दी थी अल्फाबेट्स की, ए बी सी थे, तो आपने क्या किया एबीसी तीनों को आपने पिक कर लिया और फिर उनकी अरेंजमेंट निकाली। सही है, तो ऐसा भी हो सकता है, डेफिनेशन में लिखा होगा कि आप कुछ ऑब्जेक्ट को भी पिक कर सकते हो, फॉर एग्जांपल 10 में से 4 को आपने पिक कर लिया, या आप सबको भी पिक कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके पास एन ऑब्जेक्ट है और आप सबको पिक कर लो तो इसमें आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू एन के बराबर होगी। फॉर एग्जाम्पल 10 ऑब्जेक्ट थी, ये एन हो गया, आपने 10 पिक की, ये आर हो गया। तो अगर आप ऑब्जर्व करो यहां पे जितने ऑब्जेक्ट हैं उतनी आपने पिक किए, मतलब एन और आर यहां पे क्या है, बराबर है। तो आप क्या करो, जो परम्यूटेशन का फॉर्मूला है इसमें आर की जगह एन पुट कर दो, तो ऊपर अपनी जगह पे आएगा, नीचे
आर जो था ना फॉर्मूले में उसकी जगह आप एन पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जीरो फैक्टोरियल, और आपको पता है जीरो फैक्टोरियल वन होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एन फैक्टोरियल। इसको आप क्या बोलोगे नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकिंग ऑल एट अ टाइम, अगर आप सबको बैक वक्त पिक करोगे तो अब कितनी परमुटेशन बनेगी एन फैक्टोरियल बनेगी। और यकीन मानो ये सवाल प्रोडक्ट प्रिंसिपल में आप करते हुए आए थे, हजार दफा आपने किया था, अभी भी आपने किया था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं ए बी सी डी ये चार ऑब्जेक्ट्स गिवन है, आप इन चारों को पिक करो और इनकी अरेंजमेंट मालूम करो, तो करते हैं जरा मालूम। चार प्लेसेस होंगी, पहली प्लेस पे कोई भी चार आ सकते हैं, दूसरी प्लेस पे कोई भी तीन आ जाएंगे, तीसरी प्लेस पे कोई भी दो आ जाएंगे, चौथी प्लेस पे कोई भी एक आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो। तो ये क्या चीज है, ये बेसिकली फोर फैक्टोरियल है, ये ऊपर फॉर्मूला लिखा भाई जितनी ऑब्जेक्ट है अगर आपने सबको अरेंज करना है तो एन फैक्टोरियल फॉर्मूला सिंपल, चार ऑब्जेक्ट है चार को अरेंज करना है फोर फैक्टोरियल, दस ऑब्जेक्ट है दस ही को अरेंज करना है टेन फैक्टोरियल। ठीक है, तो जितनी ऑब्जेक्ट है अगर आपने सबको अरेंज करना है सबको पिक करना है तो उतना फैक्टोरियल आप ले लोगे। ये पहला केस है परमुटेशन। ठीक है, इसको अलग रूल कहकर भी बताया जाता है लेकिन कोई रूल कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि सुप्रीम फॉर्मूला यही है, इसी से बाकी केस निकाले हैं, तो इसलिए मैं अलग से कोई नाम या रूल देना नहीं चाह रहा, इनको ऐसे लिखवाना चाह रहा हूं। ठीक है, अब दूसरी चीज कि फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाए एनपी वन का मतलब अगर आपके पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं और आपने उसमें से एक पिक करनी है तो इसकी अरेंजमेंट निकाल लो। वैसे यकीन मानो अरेंजमेंट एन आएगी इसकी, क्यों एन आएगी, मैं आपको बोलूं कि पांच ऑब्जेक्ट हैं ए बी सी डी ई, आपने एक पिक करनी है तो बताओ अरेंजमेंट कितनी बनेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने ए पिक किया, ये पहली परमुटेशन है, ए को कितने तरीके से अरेंज करो, एक ही तरीके से करो। अच्छा मैं एक चीज बता दूं, ये मैंने बीच में सिलेक्शन का वर्ड बोला था, परमुटेशन में सिलेक्शन होती है आमतौर पे, सिलेक्शन का वर्ड जो है ना ये कॉम्बिनेशन से हम जोड़ते हैं, ज्यादातर सवालों में कॉम्बिनेशन के सिलेक्शन आ रहा होता है लेकिन परमुटेशन में सिलेक्शन होती है, सबसे पहले आप सिलेक्शन ही तो करते हो उसके बाद अरेंजमेंट करते हो। तो परमुटेशन में जो केस है ना जिसमें सम का होता है कि आप 10 डिजिट है उसमें से चार पिक कर रहे हो तो उस पिक कर रहे हो आप क्या बोलोगे, सेलेक्ट कर रहे हो आप। तो परमुटेशन में आप क्या करते हो कभी कि अगर आपने सब ऑब्जेक्ट को अरेंज नहीं करना, इस वाले केस में तो आप पिक नहीं करते, जो ऑब्जेक्ट है उन्हीं को अरेंज करने लग जाते हो, लेकिन कुछ ऐसे केस होते हैं जैसे ये वाला केस था, इसमें 10 ऑब्जेक्ट थे आपने शुरू में चार सेलेक्ट किए, चार सेलेक्ट करने के बाद आप उनके अरेंजमेंट मालूम कर रहे होते हो, ये काम करते हो परमुटेशन के। तो वही काम है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि यहां से मैं इसकी इजी एग्जाम्पल देता हूं, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी और मैं आपको बोलूं कि दो को पिक करो तो आप क्या करोगे, मतलब परमुटेशन निकालो आप, दो उसके अंदर ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, तीन है आपको दो का बनाना है परमुटेशन। ठीक है, तो आप क्या करोगे सबसे पहले आप सेलेक्ट करते हो यहां पे, फॉर एग्जाम्पल आपने ए और बी सेलेक्ट किया, ये एक परमुटेशन होगी, फिर आप इसको अरेंज कर रहे हो, ए बी को किस तरह अरेंज कर सकते हो बी ए, दैट्स इट, और तो किसी तरीके से अरेंज नहीं करते ना, खत्म, दो परमुटेशन आपने निकाल ली। फिर आप क्या करोगे किसी और दो को सिलेक्ट करो, फॉर एग्जाम्पल ए और सी को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट कर लिया, ये तीसरी परमुटेशन है, अब इसको अरेंज कितने तरीके से कर सकते हो भाई, एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हो इसको दोबारा, सी ए चार परमुटेशन होगी, इसी तरह आप पिक करो बी सी, अरेंज क्या करोगे सी बी, तो आप क्या करते हो परमुटेशन में सेलेक्ट करते हो उसके बाद ही अरेंज करते हो आप, तो वही काम करना है यहां पे। अब आपको एक ही सेलेक्ट करना है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ए सेलेक्ट किया, अब मैं ए को अरेंज ही नहीं कर सकता तो ये एक ही परमुटेशन मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने बी को पिक किया, क्या सेलेक्ट करूं, नहीं सेलेक्ट कर सकता बी को, ये दूसरी परमुटेशन है। फिर मैंने सी को सेलेक्ट किया, नहीं अरेंज कर सकता, डी को सेलेक्ट किया, ई को सेलेक्ट किया, तो यहां पे आपके पास पांच ही परमुटेशन आएंगे क्योंकि जब आप सेलेक्ट कर रहे हो तो उसको अरेंज तो कर नहीं पा रहे। ठीक है, तो इसका मतलब पांच परमुटेशन बनेंगी, और ये फॉर्मूला भी आपको बताएगा कि भाई जब आपके पास पांच जितनी भी ऑब्जेक्ट हो और आपने एक सेलेक्ट करनी है तो जितनी ऑब्जेक्ट है उतनी परमुटेशन बनती है, कि पांच ऑब्जेक्ट थी पांच परमुटेशन बनी है, और यही बात आपको फॉर्मूला भी बता देगा। अच्छा जी, फॉर्मूले में आप पुट कर दो, आर की जगह पे आप पुट कर दो वन, ये मैंने अगेन 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बताया था किस तरह इन फैक्टोरियल को सॉल्व करते हो, जो बड़ा वाला फैक्टोरियल होता है उसको आप एक्सपेंड करते हो, एन फैक्टोरियल को किस तरह लिखोगे एन माइनस वन, और रुक जाओ यहां पे क्योंकि नीचे एन माइनस वन आ रहा है ना, तो रुक गया अपने यहां पे,
एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन फैक्टोरियल से, तो आंसर क्या रहा है एन आ रहा है। तो वही बात मैंने आपको बोली थी, जितने ऑब्जेक्ट है उनमें से अगर आपने एक पिक करना है तो नंबर ऑफ परमुटेशन कितनी आएंगी, जितने ऑब्जेक्ट है उतनी परमुटेशन आ जाएंगे। और तीसरा और आखिरी इसका केस बनेगा कि अगर मैं आपको बोलूं एन पी जीरो निकालो, एन पी जीरो का मतलब क्या है? अब ये थोड़ा लॉजिकल आइडियल केस है, समझना आपको उसी तरीके से है, मैथमेटिकल तो मैं समझा दूंगा कि क्या आंसर आ रहा है। इसका आंसर बनाएगा क्यों बनाएगा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास पांच ऑब्जेक्ट है, आप जब अरेंजमेंट निकालते हो तो आप इसको इस तरह कंसिडर करो ना कि मैं दुनिया को इतने तरीके से वो चीज दिखा सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो रिसेंट मैंने एग्जाम्पल करवाई थी, पांच आपके पास अल्फाबेट थे, एक आपने पिक करना था, तो आप क्या करते हो, आपको अगर मैं बोलूं कि कितनी परमुटेशन आ रही है, आप बोलोगे पांच परमुटेशन, मतलब कि आप पांच तरीकों से वो चीज दिखा सकते हो। क्या चीज दिखा सकते हो कि पांच लेटर में से अगर आपने एक पिक करना है तो कितनी पॉसिबिलिटी है, पांच पॉसिबिलिटी है, कि सबसे पहले आप ए दिखाओगे, फिर आप बी दिखाओगे, सी दिखाओगे, डी दिखाओगे, ई दिखाओगे। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि तीन अल्फाबेट्स हैं और तीनों को आपने अरेंजमेंट करनी है तो छह आंसर आएगा, आप छह तरीकों से दिखा सकोगे, आप सबसे पहले दिखाओगे एबीसी, फिर आप दिखाओगे एसीबी, इस तरह करते करते छह तरीकों से आप दुनिया को दिखा दोगे। अब सवाल ये, फॉर एग्जाम्पल आपके पास पांच ऑब्जेक्ट है और मैं बोलूं कि आपने जीरो पिक करनी है इसमें से, जीरो मतलब नथिंग, आपने उसमें से नथिंग पिक करना है, कितने तरीकों से कर सकते हो? तो भाई नथिंग आपने पिक करना है और दुनिया को दिखाना है ना, तो भाई नथिंग को पिक करने का एक ही तरीका है, मतलब नथिंग को आपने पिक किया और उसकी अरेंजमेंट अगर आपने दुनिया को दिखानी है तो आप एक ही तरीके से दिखाओ और वो है नथिंग। इस बात को लॉजिकली आपको समझना पड़ेगा कि फॉर एग्जाम्पल एक टब है, टब में पांच चीजें, ठीक है, आपको बोलते हैं कि भाई आप परमुटेशन निकालो कि उन पांच चीजों में से कुछ भी पिक ना करो और हमें दिखाओ कि कितनी परमुटेशन बन रही है, तो सबसे पहले तो आप दिल में गाली दोगे उनको क्या भाई, समझ तो गए कौन सा मीम कर रहा हूं मैं। खैर तो ऑब्जेक्ट आपके पास गिवन होंगे पांच, आपको बोला जाएगा नथिंग दिखाओ, तो आप क्या करोगे, आप टब में हाथ डालोगे और नथिंग को पिक करोगे और बोलोगे ये लो देख लो नथिंग, तो नथिंग को दिखाने का एक ही तरीका है नथिंग। इस तरह लॉजिकल आप समझ सकते हो इसको, और मैथमेटिकल किस तरह निकालोगे आप, ये चीज कॉम्बिनेशन में भी होगी क्योंकि कॉम्बिनेशन परमुटेशन ये सेम हो जाएंगे, एनपी जीरो निकालो या एनसी जीरो निकालो आंसर वन ही आता है, क्योंकि नथिंग को दिखाने का एक ही तरीका वो है नथिंग। जैसे वही बात है एम्प्टी सेट का, आप एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी होता है भाई, नथिंग है, आप बोल हर सेट का एक सबसेट होता है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट क्या है, नथिंग, वही इसी तरह कॉन्सेप्ट आप कह रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पे एन फैक्टोरियल है, एन माइनस आर, आर की जगह आप जीरो पुट कर दो, तो बेसिकली ऊपर है एन फैक्टोरियल, नीचे भी एन फैक्टोरियल है और ये बराबर है वन के। तो यहां पे मैं थोड़ा अलग लिख देता हूं क्योंकि सबको डब्बा बनाया मैंने, इसको डब्बा बनाता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल एन पी जीरो का आंसर क्या आ जाएगा, वन के बराबर आ जाएगा, सेम आंसर एन सी जीरो का जो है ना वो भी आ जाएगा। तो बच्चों ये परमुटेशन हमने पढ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके मजीद केसेस पढ़ते हैं, अभी तक हमने जो परमुटेशन है वो पढ़ी है, उसका मेन फॉर्मूला देखा कहां से आया, प्रोडक्ट प्रिंसिपल से, प्रोडक्ट प्रिंसिपल और परमुटेशन में क्या फर्क है वो मैंने आपको बताया, परमुटेशन की डेफिनेशन मैंने एक एक कॉन्सेप्ट छोटा मोटा क्लियर किया मैंने आपका, फिर उसके बाद रूल नंबर टू जो है परमुटेशन का वो हम जरा समझते हैं, रूल नंबर टू की जरूरत हमें क्यों पड़ी है, जब हमारी लाइफ परमुटेशन से सही चल रही थी तो रूल नंबर टू की हमें क्या जरूरत पड़ी है, फिर जरा देख लेते हैं रूल नंबर टू की जरूरत क्या है। देखो कभी ये होता है कि आप चीजों को अरेंज कर रहे होते हो, या तो सब चीजों को अरेंज करोगे या उन सब चीजों में से कुछ आप पिक करोगे, दोनों मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताए थे, लेकिन कभी ऐसा होता है कि जिन चीजों में आप पिक कर रहे हो ना वो सब चीजें डिफरेंट नहीं है। अभी तक पुराने फॉर्मुलों में हम ये कंसिडर कर रहे थे कि जो एन ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट है सारी की सारी, लेकिन इस वाले केस में हम डिस्कस करेंगे कि अगर सारी ऑब्जेक्ट डिफरेंट ना हो तो फिर क्या होगा, तो मैं छोटा सा इसका डेफिनेशन लिखवाता हूं कि व्हेन यू हैव एन ऑब्जेक्ट्स, व्हेन यू हैव एन ऑब्जेक्ट्स इन विच आर ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक, मतलब आर ऑब्जेक्ट ऐसी हैं जो आपस में सेम है, फॉर एग्जांपल टू जो है वो तीन दफा आ रहा है, आर ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक मतलब ये ग्रुप बन रहे होंगे कि आर ऑब्जेक्ट आपस में सेम है, इसी तरीके से एस ऑब्जेक्ट जो है वो आपस में अलाइक है मतलब सेम है, इसी तरीके से टी ऑब्जेक्ट जो है वो आपस में अलाइक है, देन नंबर ऑफ
परमुटेशन एस। परमुटेशन का तब फॉर्मूला क्या होगा? तब फॉर्मूला ये होगा, इसको वैसे लिखने हम लिखते इस तरीके से नहीं है क्योंकि ये फिर वो पहली बार नोटेशन बन जाएगी, इसको हम लिखेंगे इस तरीके से कि एन आर एस टी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल एस फैक्टोरियल टी फैक्टोरियल। अब ये चीज क्या है, इसको किस तरीके से हम समझेंगे? देखो मैं इसको आप लोगों को समझाता हूं, उसके बाद बताता हूं ये फॉर्मूला आया कहां से, क्या सेंस बन रही है इस फॉर्मूले की। हर चीज का आपने फैक्टोरियल मालूम किया हुआ, अजीब सा कुछ फॉर्मूला नजर आ रहा है। देखो होता क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके नाम की एग्जाम्पल देता हूं, आपको बेस्ट तरीका समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा नाम है, आपको पता चले आप इसको अरेंज करो। अच्छा उससे पहले मैं कोई एक और एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक नाम होता है, फोर डिजिट का नाम मुझे चाहिए, हादी। फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर आप देखो सब लेटर्स अलग हैं, कोई सेम नहीं है, एच ए डी आई सब अलग है। मैं आपको बोलते हूं इनको अरेंज करो, तो एक अरेंजमेंट तो ये है, एक परमुटेशन तो आपको गिवन है हादी। और इसमें हम इस चीज को कंसिडर करते हैं कि उनका बेशक मतलब कुछ ना बने, मतलब आप वर्ड्स तो बना रहे हो लेकिन उन वर्ड्स का मतलब ना बने फिर भी, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो ये नहीं कि जो हम वर्ड्स बना रहे हैं उनका मतलब क्या है, हम बस अरेंजमेंट मालूम करना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हादी। अच्छा एक सवाल मेरे भी जहन में ऐसा निकल जाएगा, आप लोग ये सोचोगे सर क्यों काम कर रहे हैं अरेंजमेंट का, ये क्या तकलीफ हमें पड़ी हुई है अरेंजमेंट करने की, क्या करें हम अरेंजमेंट निकाल के, क्या फायदा होगा हमें? तो भाई प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये फायदा है। प्रोबेबिलिटी अगर आपने निकालनी हो किसी चीज की, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वहां पर जरूरी है, कहीं सवाल परमुटेशन का होगा कहीं सवाल कॉम्बिनेशन का होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को सवाल करवाया था 7.1 का था, वो आई गेस 11 या 10 को जैसा क्वेश्चन था, जिसमें था कि 6 क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स के, तो मैंने उसमें आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके दी थी। ये बहुत इजी एग्जाम्पल थी समझाने के लिए कि ये एप्लीकेशन है रियल लाइफ में प्रोबेबिलिटी की, कि अगर आपको मालूम करना हो कि आपके 40 एमसीक्यूज हैं और 40 एमसीक्यूज के 4 ऑप्शन हैं, और आपको ये मालूम करना हो कि अगर मुझे कोई भी सवाल नहीं आता और मैं रेंडम तुक्का लगा के 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करूं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरे सब के सब एमसीक्यूज ठीक हो जाए, 40 के 40 ठीक हो जाए? तो मैंने बताया प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4 की पावर 40। कैसे निकाला आपने वो मैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बता दूंगा, मैं जरा इसको कैलकुलेट करता हूं, आज मेरे पास कैलकुलेटर है। तो ये हो जाएगा 1/4 की पावर 40 मल्टीप्लाई 100 कर देता हूं ताकि थोड़ी इज्जत रह जाए, ये इतनी परसेंटेज आ रही है, 8.27 × 10⁻²। ये परसेंट लिखी है मैंने, इतने परसेंट है कि आपका 40 के 40 तुक्के ठीक लग जाएंगे। तो ये आप खुद वेदर जानते हो, ये आपको बात पता है ऑलरेडी कि आप 40 के 40 तुक्के मारो 40 ठीक नहीं हो सकते, ये प्रोबेबिलिटी आपको बता रही है और आप खुद भी आपकी अकल भी बता रही है आपको। तो दैट्स व्हाई ये जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रही है प्रोबेबिलिटी निकालने में हेल्प करेगा, और प्रोबेबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है रियल लाइफ में। आप हर चीज में, आप वेदर की प्रेडिक्शन कर रहे हो आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, आप अर्थक्वेक की प्रेडिक्शन कर रहे हो, फ्लड की प्रेडिक्शन कर रहे हो, आप हवा की प्रेडिक्शन कर रहे हो कि इतने परसेंट चांसेस है कि हवा की ये होगा, कोई भी प्रेडिक्शन आप कर रहे होते हो, इवन मैच की प्रेडिक्शन कर रहे होते हो। आजकल बहुत अर्से पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन रिसेंट मैंने 5-10 सालों में देखा है कि जब मैच देख रहे हो तो नीचे प्रेडिक्टर लिखा हुआ होता है कि इतना परसेंट ये जीतेगा इतना परसेंट वो जीतेगा, लेकिन अब इसका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि भाई वो ठीक है बिल्कुल, ये प्रेडिक्शन है, प्रोबेबिलिटी है। जैसे 24 अक्टूबर को जो पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था, तो मैच स्टार्ट होने से पहले ही विनिंग परसेंटेज मतलब चांसेस थे कौन जीतेगा, उसमें इंडिया की परसेंटेज बहुत ज्यादा थी, मतलब मैं अराउंड 80% ऐसा कुछ आ रहा था, हालांकि मैच तो हुआ ही नहीं है, पहली बॉल भी नहीं हुई अभी तक। तो फिर उन्होंने कैसे बताया, पास रिकॉर्ड से उन्होंने चांसेस निकाले, चांसेस क्या थे इंडिया जीत जाएगा, लेकिन हुआ क्या एंड पे पाकिस्तान जीत गया। तो प्रोबेबिलिटी सिर्फ अंदाजा लगाया जाता है कि हाउ लाइकली के इवेंट हो, एक्चुअल क्या हो रहा है वो तो हमें नहीं पता, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन आप प्रोबेबिलिटी निकाल के चीजों को, और ये काफी हद तक हम चीजों को समझ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी जितनी वन के करीब होती है आप ज्यादातर ऑब्जर्व करोगे, फॉर एग्जाम्पल 80% अगर इंडिया की फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी, तो आप ये ऑब्जर्व करते हो इंडिया मैक्सिमम मैचों में जीत रहा होता है, एक्सेप्शन कुछ थी चैंपियंस ट्रॉफी की या वर्ल्ड कप की, लेकिन मेजोरिटी आपको पता है वर्ल्ड कप में इंडिया जीतता हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऐसी चीज है जिसपे आप रिलाई कर सकते हो, 100% नहीं लेकिन मैक्सिमम केसेस में अगर प्रोबेबिलिटी आपकी 100% के करीब है तो आप प्रोबेबिलिटी में लाई कर सकते हो कि हाँ यार ये बात हो, एक्सेप्शन तो ऑलवेज देयर। तो कहने का मतलब इतनी प्रोबेबिलिटी है,
इसका मतलब 8 से पहले 22 जीरो है, 0.220 और फिर 8, तो कितनी कंपाबिलिटी। तो क्या है मतलब एकदम से मेरे जहन में आ गया, तो स्टूडेंट का सवाल आता है कि सर क्यों हम ये पढ़ रहे हैं, तो मैं क्यों का जवाब दे रहा था कि प्रोबेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए आपको ये बेसिकली नंबर ऑफ वेज आप निकाल रहे हो। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ वेज ऑफ पर्टिकुलर इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट, टोटल जो पूरा आपके पास आउटकम आ सकते हैं, कि टोटल आप पेपर में कितने तरीके से जवाब दे सकते हो, 4 की पावर 40। आपने कितने तरीके से जवाब दिया, आप एक ही तरीके से जवाब दोगे ना, कि हर एमसीक्यू उसको आपने फॉर एग्जांपल किसी में ए बी लगाया होगा, तो एक पे आपने आंसर दिया डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम कितने थे, 4 की पावर 40। तो ये प्रोबेबिलिटी इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे, बड़ा मजे का टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इसको अरेंज करना है हादी को, तो हादी को अरेंज करने के और कितने तरीके होंगे, आप सबसे पहले एच को फिक्स कर लो, अगर आपने रेंडमली करना है ना तो आप एच को फिक्स करो, आप बाकी को आपस में अरेंज करो। बाकी है ए डी आई, तीन है, तीन को अरेंज करने के 6 तरीके होते हैं। एक तो ए डी आई लिखा हुआ है, अच्छा इसी तरह ए को फिक्स कर दो, आप डी आई को चेंज करो आई डी, फिर आप क्या करो आप ए को चेंज कर दो, आप इसी तरह आई लिख दो और लिखो ए डी, फिर आई रहने दो, अब आप लिखो डी ए, अच्छा फिर आप स्टार्ट में डी ले आओ और ए आई लिखो फॉर एग्जाम्पल, और फिर आप आई ए लिखो, ये 6 परमोटेशन आपने निकालनी है। इसी तरीके से आप पहले एच था ना, फॉर एग्जाम्पल आप ए आप कंसिडर करो पहला लेटर, और बाकी के साथ वही काम करो जो आप ए डी आई के साथ कर रहे थे, फिर 6 आएंगी, फिर स्टार्टिंग में आई रखो, फिर स्टार्टिंग में डी रखो, 6 6 6 24 हो जाएंगे, 24 परमोटेशन आ जाएंगे। और आपको पता है 4 चीजों को आपस में अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं, 4 फैक्टोरियल 24। लेकिन यहां पे अगर आप देखो अरेंजमेंट डिफरेंट है, लेटर सारे डिफरेंट है, अरेंजमेंट आपको दिखने में लग रहा है सारे डिफरेंट है, लेकिन इस केस के अंदर ये नहीं है। अगर आप यहां पे फॉर्मूला लगा दोगे 4 फैक्टोरियल का, अगर आप बोलोगे यहां पे 4 ऑब्जेक्ट है और 4 को मैंने अरेंज करना है, अच्छा इस वाले फॉर्मूले में ये बात मतलब इंप्लाइड है इसके अंदर, कि इस वाले फॉर्मूले में जितनी ऑब्जेक्ट है उतनी आपने पिक करनी है, ये इंप्लाइड है इस बात में। तो अगर 4 ऑब्जेक्ट है और आपने 4 को अरेंज करना है, और अगर आपने फॉर्मूला यूज कर लिया 4 फैक्टोरियल, तो अब मसला कहां पे आएगा, जरा मैं आपको मसला बता देता हूं। मसला बताने के लिए ना, अभी देखो दो चीजें सेम है, जैसे इस फॉर्मूले में बताया था ना कि कोई चीजें आपस में सेम हो, तो इसमें देखो दो चीजें सेम है, तो अब मसला समझाने के लिए मैं इनको नंबरिंग दे देता हूं, A1 A2 कर देता हूं, ताकि आपको बात समझ आए। अब 4 फैक्टोरियल का मतलब 24, इन 24 अरेंजमेंट में कुछ ऐसी भी अरेंजमेंट होंगी, वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, सब अरेंजमेंट ही लिख रहा हूं, कुछ अरेंजमेंट लिख रहा हूं, ये मैंने 6 अरेंजमेंट लिखी है, 24 में से 6 मैंने लिख दी है। आप कहोगे सर आपने 6 नहीं लिखी, आपने 3 लिखी है, मैं कहूंगा मैंने 6 लिखी है भाई, और मैं प्रूफ कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल A1 A2 कर देते हैं, इसको A2 A1 कर देते हैं। अब अगर आप देखो मैथमेटिकल मैंने 6 लिखी है, ये जो फॉर्मूला कैलकुलेट करेगा वो उसको ये समझेगा क्या मतलब, ये जो फॉर्मूला 24 आपको निकाल के देगा, फॉर्मूले को नहीं पता कि आपकी दो चीजें सेम है, फॉर्मूला इन दोनों चीजों को अलग ट्रीट करेगा, फॉर्मूला कंसीडर करेगा कि ये ए अलग है ये अलग है, क्योंकि फॉर्मूले के जहन में दूर दूर तक नहीं है जो 4 फैक्टोरियल का फॉर्मूला है कि भाई ये चीजें सेम है, वो तो इनको इस तरह ट्रीट करेगा जैसे वो ए और डी को आपस में अरेंज कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल डी आई को अरेंज कर रहा था, आई डी कर दिया था उसने, इसी तरह वो ए को भी आपस में अरेंज करेगा, अगर ऊपर 2 ए लिखे हुए तो नीचे दोनों ए को अरेंज करेगा, उसके मुताबिक तो वो डिफरेंट चीज है, लेकिन हमें पता है वो डिफरेंट नहीं है। अगर आप ए ए लिखो और नीचे ए ए लिखो, ये दोनों एक ही चीज है, बेशक आपने दोनों ए को चेंज किया लेकिन कोई फर्क पैदा नहीं करेंगे, वो फर्क आपको सब नजर आएगा जब आप फॉर्मूले के मुताबिक सोचोगे, फॉर्मूले के मुताबिक ये कि दोनों चीज अलग है, ये A1 ये A2, तो फॉर्मूला इसको एक परमोटेशन समझेगा, इसको दूसरी परमोटेशन समझेगा, क्योंकि यहां पे A2 A1 लिखा हुआ है, ये फॉर्मूले की मेंटेलिटी है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। तो यहां से आपने एक बात ऑब्जर्व की कि हकीकत में जो ए की परमोटेशन है, फॉर्मूला इसको 2 कहेगा, क्योंकि फॉर्मूले के जहन में सब चीजें नहीं है जो इंसान के जहन में, हमें पता है कि ये 2 नहीं है, एक परमोटेशन है, लेकिन फॉर्मूले बेचारे को तो नहीं पता ना, वो तो सबको डिफरेंट ही कंसीडर कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप इसमें देखो, अगेन मैंने ए एस ए डी लिखा, अब फॉर्मूला क्या करेगा, एक परमोटेशन इसको कंसीडर करेगा और एक परमोटेशन किसको करेगा कि इन 2 ए की पोजीशन को चेंज कर देगा और ये आ जाएंगे। अब फॉर्मूले के मुताबिक तो ये 2 है लेकिन हमें पता है ये एक ही है, आप इन 2 ए को चेंज कर दो, बात तो वही बनी है, असल असल
फर्क तो नहीं पड़ा। तो यहां से आप एक ऑब्जर्व करोगे, हर एक परमोटेशन पे एक एक्स्ट्रा आ रही है। ये दो परमोटेशन है हकीकत में एक है, ये दो परमोटेशन है हकीकत में एक है। तो फॉर एग्जाम्पल चार परमोटेशन फॉर्मूला बता रहा है लेकिन हकीकत में कितनी है, दो है। फॉर्मूला बता रहा है कि छह है लेकिन हकीकत में कितनी है, तीन है। तो ये हो क्या रहा है? आप इस फॉर्मूले को, फोर फैक्टोरियल फॉर्मूले को किस तरह ठीक कर सकते हो वो जरा देखते हैं। मसला आपने देख लिया, अब इस फॉर्मूले को हम ठीक कर रहे हैं। ठीक इस तरीके से करोगे, अगर एक्चुअल में दो परमोटेशन है तो फॉर्मूला आपको कितनी बता रहा है, फोर बता रहा है। एक्चुअल में थ्री परमोटेशन है, फॉर्मूला कितना बता रहा है, सिक्स बता रहा है। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जो भी फॉर्मूला बता रहा है ना उसको अगर आप टू से डिवाइड करोगे तो एक्चुअल परमोटेशन आएंगे। फॉर्मूले ने सिक्स बताया, सिक्स को टू से डिवाइड करो थ्री, थ्री एक्चुअल परमोटेशन है। फॉर्मूले ने फोर बताया, फोर को टू से डिवाइड करो टू, तो एक्चुअल परमोटेशन क्या है, टू है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई अगर आपने इस फॉर्मूले को करेक्ट करना है तो आप क्या करोगे, फोर फैक्टोरियल को टू से डिवाइड कर दोगे। अब इस एग्जांपल में तो ये टू से डिवाइड करना था, क्या ये बात आप जनरलाइज बोल सकते हो कि हर सिचुएशन में आपने टू से डिवाइड करना है? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने अपने नाम को थोड़ा चेंज कर देता हूं इस तरह, क्या अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? नॉर्मली पांच ऑब्जेक्ट है, पांच ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का क्या तरीका होता है, फाइव फैक्टोरियल होता है। लेकिन अगेन कुछ ऑब्जेक्ट सेम है तो आपको इसमें ठीक करना पड़ेगा फॉर्मूले को, ठीक है, करेक्शन करनी पड़ेगी इसके अंदर। क्या इसमें भी आप टू से डिवाइड करोगे फॉर्मूले को, देख लेते हैं, या इसमें थ्री से डिवाइड करोगे क्योंकि पहले दो ऑब्जेक्ट थी अब तीन ऑब्जेक्ट है, तो मे भी थ्री से डिवाइड करें हम, देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूला जो है वो आपको फाइव फैक्टोरियल अरेंजमेंट देगा, वो कहेगा कि इसको 120 तरीकों से अरेंज कर सकते हो। अब 120 तो मैं नहीं लिख सकता, लेकिन इस फॉर्मूले के मुताबिक जो 120 है ना उसमें से छह अरेंजमेंट में आपके सामने लिखता हूं। आप कहोगे सर आपने एक ही चीज को छह दफा लिख दी है, भैया मैं नहीं कह रहा, ये फॉर्मूला कह रहा है। ये जो फॉर्मूला ने 120 कैलकुलेट किया वो इस तरह किए, कैसे? अगेन फॉर्मूले को नहीं पता ये सब चीजें सेम है, फॉर्मूला इन तीन ए को डिफरेंट कंसीडर करेगा, वो कंसीडर करेगा कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तीनों चीजें अलग हैं, वो इनको अरेंज करेगा। सबसे पहले क्या करेगा वो, फॉर एग्जांपल A1 को फिक्स रखेगा, ये A2 A3 है, ये A3 A2 कर देगा। फॉर्मूले ने तो अपने ध्यान से तो बिल्कुल ठीक किया, आप अरेंज कर सकते हो लेकिन आपको पता है कोई फर्क नहीं पड़ा इस तरह करने से, इन दो ए की पोजिशन को चेंज करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा फिर फॉर्मूला क्या करेगा, यहां पर A2 ले आएगा और इधर A1 A3 कर देगा। अगेन फॉर्मूले ने तो सही काम किया, फॉर्मूले ने क्या किया, A2 को इधर ले आया, A3 को इधर ले आया, A1 को दरमियान में ले आया, लेकिन हमें पता है कि ये वर्ड सेम ही बनेगा, इस वर्ड में ओवरऑल आप देखो कोई फर्क नहीं है, तीन ए तीन ए अपनी जगह पे मौजूद है। इसी तरीके से फिर वो A2 A3 कर देगा, फॉर्मूले के मुताबिक उसने डिफरेंस किया लेकिन कोई डिफरेंस पैदा नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट में वो A3 A1 A2 फिर A3 A2 A1। तो कहने का मतलब है फॉर्मूला अपने मुताबिक इसको छह परमोटेशन कंसीडर करेगा लेकिन आप ये ऑब्जर्व करोगे हकीकत में एक परमोटेशन है। तो यहां पे बस एक ही परमोटेशन है ये वाली, दैट्स इट। बाकी जितनी फॉर्मूला आपको मजीद एक्स्ट्रा पांच दे रहा है वो परमोटेशन नहीं कराई जाएंगी, वो तो सेम ही है। परमोटेशन एटलीस्ट अलग तो होनी चाहिए ना, डिफरेंट होनी चाहिए, ऑर्डर मैटर करता है लेकिन परमोटेशन तो डिफरेंट होना, एक ही चीज को छह दफा थोड़ी ना काउंट करते परमोटेशन। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अब ये एक परमोटेशन है लेकिन फॉर्मूला इसके मजीद पांच परमोटेशन बनाएगा, वही काम करेगा यार, कि इस वाला ए और इसकी पोजीशन को इंटरचेंज करेगा। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट परमोटेशन में वो क्या करेगा, ये वाला जो ए है ना इसको यहां पे ले आएगा और इसको यहां पे ले जाएगा, तो आपका ये वर्ड बनेगा। आपको पता है हकीकत में ये वही चीज है, तो करते करते पांच मजीद बना रहा होगा। तो अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करो, फॉर्मूला आपको बोल रहा है कि छह परमोटेशन है लेकिन हकीकत में एक है। इसी तरह यहां पे फॉर्मूला आपको बताएगा छह परमोटेशन है हकीकत में एक है, तो आपने देखा टोटल 12 परमोटेशन बनी है लेकिन हकीकत में कितनी है, दो। इसी तरह 18 परमोटेशन फॉर्मूला बताएगा, हकीकत में कितनी होंगी, तीन। फॉर्मूला बताएगा 24 परमोटेशन, हकीकत में कितनी होंगी, चार। तो अगर आप ऑब्जर्व करो यहां पर आप सिक्स से डिवाइड कर रहे हो, 12 परमोटेशन थी, 12 को 6 से डिवाइड किया, 2 आंसर आ रहा है, 18 थी, 18 को 6 से डिवाइड किया, 3। तो भाई इस वाले फॉर्मूले में आप 2 से डिवाइड कर रहे थे और ये जो 5 फैक्टोरियल वाले फॉर्मूले में 6 से डिवाइड करो, ये क्या बात हुई है, ये तो कोई हमें नजर नहीं आ रहा, नजर आ रहा है बिल्कुल। असल चीज पता ही क्या है, जितनी चीजें सेम होती हैं उतने फैक्टोरियल से आप डिवाइड करते हो।
यहाँ पे कितने अल्फाबेट सेम थे, दो अल्फाबेट सेम थे, तो आपने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया था, क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 होता है तो आपको ये लगा कि आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, नहीं आप 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं। इसी तरीके से यहां पे कितनी ऑब्जेक्ट सेम थी, 3 ऑब्जेक्ट सेम थी, तो आप अगेन 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे जो कि 6 होता है। तो ये रैंडम नंबर नहीं थे, ये एक पूरी सीक्वेंस बन रही थी कि जितने ऑब्जेक्ट सेम होते उतने फैक्टोरियल से आप डिवाइड करते, ठीक है। तो बच्चे ये फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया। अब एक और केस आप लोग खुद जरा सोचना इसको, मैंने आप लोगों को काफी चीजें बताई हैं, अब खुद मजीद सोचना इसको कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसा आपके पास हो कि 3 दफा ए आ रहा है, 2 दफा डी आ रहा है, तो इस वाले फॉर्मूले में आप 12 से डिवाइड करोगे, और आप ये खुद सोचना कि 12 कैसे नंबर आया, कि हकीकत में एक परमुटेशन है, फॉर्मूला इसको 12 कंसिडर करेगा। कैसे कंसिडर करेगा, 6 तरीकों से आप इसको अरेंज कर सकते हो, 2 तरीकों से इसको अरेंज कर सकते हो, तो 6 मल्टीप्लाई 2 12, 12 तरीकों से आप इस लिख सकते हो इसको, आप लिखना, आप ये मैं नहीं बताऊंगा, अगर आपने लिखना है तो A1 A2 A3 D1 D2 कर देना इसको, और फिर आपस में डिफरेंट तरीके से अरेंज करना, खुद ही आप बात समझ जाओगे, ठीक है। यहां मैं बता देता हूं भाई, 6 D1 D2 को फिक्स रखना, A1 A2 A3 को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, 6 तरीके होंगे, तो 6 ऐसे वर्ड्स होंगे जिसमें A1 A2 अपनी पोजीशन चेंज कर रहे होंगे लेकिन D1 D2 अपनी जगह पे होंगे, 6 आ गए आपके पास। फिर नेक्स्ट 6 किस तरह आएंगे, आप इनकी पोजीशन को चेंज कर देना, आप D2 D1 कर देना, और अगेन A1 A2 A3 को अरेंज करना, 6 वर्ड्स वहां से आएंगे, तो ये 12 वर्ड्स हो जाएंगे। तो अब आप किससे डिवाइड कर रहे हो, 12 से, ये 12 कहां से आया, 12 यहां से आया कि 3 ऑब्जेक्ट सेम है, तो आपने क्या किया, 5 फैक्टोरियल को डिवाइड किया 3 फैक्टोरियल से, और फिर 2 ऑब्जेक्ट सेम है तो आपने अगेन डिवाइड किया 2 फैक्टोरियल से। तो यहां से आपने एक बात ऑब्जर्व कर ली कि आपके पास अगर n ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले ऊपर आएगा n फैक्टोरियल, अगर उसमें से r एक जैसे हैं, जैसे a था ना, ये 3 है एक जैसे, तो आप r फैक्टोरियल से डिवाइड करो। फॉर एग्जांपल एक और ग्रुप बना हुआ है, ये a का ग्रुप था, अब d का ग्रुप है, उसमें फॉर एग्जांपल 2 है, तो आप अब क्या करोगे, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे। जैसे इस केस में अगर एक s ऑब्जेक्ट है वो आपस में अगर सेम है तो s फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे, t ऑब्जेक्ट है वो आपस में सेम है, t फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे। जितने रिपीट हो रहे होंगे, जितनी दफा वो रिपीट हो रहे हैं उतने फैक्टोरियल से आप डिवाइड करोगे। फॉर एग्जाम्पल बड़ा मशहूर सवाल है मिसिसिपी, स्पेलिंग मुझे नहीं पता है इसकी, मिसिसिपी फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता इसका मतलब भी क्या है, बस मैंने पढ़ा हुआ है, गूगल करूंगा क्या मतलब है इसका, लेकिन ये वर्ड काफी मशहूर है, ये परमुटेशन की एग्जाम्पल देते थे। अगर आपको बोले जाए कि इसको अरेंज करो, अब इसमें कुछ चीजें आपस में सेम है, तो अरेंज किस तरह करोगे, सबसे पहले 3 3 3 ये टोटल 10 है, तो आप लिखोगे 10 फैक्टोरियल, 1 2 3 4 आई जो है वो 4 दफा आ रहा है, तो आप 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करो, 1 2 3 एस 2 3 दफा आ रहा है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे, पी 2 दफा आ रहा है आप 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो। ये टोटल अरेंजमेंट आ जाएंगे इस वर्ड को अरेंज करने के, हेडिंग है वो है सर्कुलर परमुटेशन। तो आप लोग ये पूछोगे अभी तक हम क्या करते हुए आ रहे थे, अभी तक हम लीनियर परमुटेशन करते हुए आ रहे थे, लीनियर आप बोलते हो एज अ स्ट्रेट लाइन के लिए वर्ड यूज करते हो, ठीक है। अभी जो आप अरेंज करते थे फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी को आप अरेंज कर रहे थे तो एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज करते थे ना, सर्कुलर पैटर्न में तो अरेंज नहीं करते थे। इसी तरीके से अगर आप डिजिट्स को अरेंज करते थे तो एक स्ट्रेट लाइन में आप अरेंज करते थे, तो इसको हम कहते थे लीनियर परमुटेशन। अब जो हम पढ़ेंगे वो सर्कुलर परमुटेशन है। अब दूसरा सवाल इस जहन में आता है कि इनमें फर्क क्यों है, फर्क इस वजह से है कि जो लीनियर परमुटेशन होती है उसमें आपका पर्टिकुलर स्टार्ट होता था, एक एंड होता था। फॉर एग्जाम्पल अगर 4 डिजिट को आपने अरेंज करना है तो फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 6 तो स्टार्ट हुआ 2 से एंड हुआ 6 के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल आपने अल्फाबेट को अरेंज करना है फॉर एग्जाम्पल बी सी ए तो स्टार्ट हुआ बी से एंड हुआ ए के ऊपर। तो लीनियर जो परमुटेशन होती है उसका एक पर्टिकुलर स्टार्ट होता है और एक एंड होता है। सर्कुलर परमुटेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके पास सर्कल के अराउंड कोई चीज अरेंज हुए हो, फॉर एग्जाम्पल आप तस्बीह पढ़ते हुए आ रहे हो बचपन से, ठीक है, पढ़ी नहीं है तो एटलीस्ट देखी तो होगी बड़े बुजुर्गों के हाथ में तस्बीह का, एक खैर ऊपर से वो दुम बनाई होती है उन्होंने पूरी, लेकिन फॉर एग्जाम्पल उस दुम को काट दो आप बिल्कुल एक सर्कल कंसिडर करो उसको, तो आप कह सकते हो कहां से स्टार्ट हुआ कहां से एंड हुआ, नहीं भाई वो एक सर्कल है जिसके अंदर सारे मोती अरेंज हुए हैं। अब आप नहीं कह सकते भाई यहां से स्टार्ट हुआ यहां से स्टार्ट हुआ कहां से स्टार्ट हुआ। तो मेन मसला सर्कल के अंदर ये होता है कि आपको ये नहीं पता कि सर्कल का स्टार्ट कहां से हो रहा है एंड कहां से हो रहा है, एक लूप टाइप का होता है जो चलता जाता आप नहीं बता सकते। तो दैट्स वाई इनके दरमियान डिफरेंस पैदा होता है, लीनियर परमुटेशन अलग है सर्कुलर परमुटेशन अलग है। अब तीसरी चीज के प्रॉब्लम क्या आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सर्कुलर परमुटेशन को लीनियर परमुटेशन के जरिए से सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम क्या फेस होगा, सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम देखेंगे ना फिर प्रॉब्लम का हल निकालेंगे। अब जरा प्रॉब्लम देखते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल को थोड़ा इजी रखते हैं, चार अल्फाबेट रहते हैं, उनको सर्कल के अराउंड अरेंज करते हैं, ठीक है। एक अरेंजमेंट मैं डिस्कस कर रहा हूं, पॉसिबिलिटी तो बहुत है, समझाने के लिए बस ये काफी है। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी, ये आपने चार चीजों को अरेंज कर दिया, एक खास पैटर्न के हिसाब से मैंने अरेंज किया ताकि आपको बात समझाने में आसानी हो। अब आप क्या करो, आपकी मर्जी, मैं पहले यहां पे क्लॉकवाइज कंसीडर करता हूं कि आप इनको क्लॉकवाइज ना रोटेट करते जाओ। फॉर एग्जांपल ए पहले यहां पे था, क्लॉकवाइज रोटेट करो, अब ए जो है वो बी की जगह पे आ जाएगा, बी उठ के डी की जगह पे चला जाएगा, डी उठ के सी की जगह पे जाएगा और सी उठ के यहां पे आ जाएगा। आपने क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया सबको, ये समझ लो आप टेबल के अराउंड आप चार दोस्त बैठे हो, अब आप क्लॉकवाइज एक दूसरे की जगह घेर रहे हो, अब ए जो है अब वो बी की जगह पे आ जाएगा, अच्छा बी जो है वो डी की जगह पे आ जाएगा, डी यहां पे आ जाएगा, सी यहां पे आ जाएगा। और एक आखिरी चीज हम करते हैं कि फॉर एग्जांपल पूरी कंप्लीट करते हैं ना रोटेशन, कि अब ए जो है वो बी की जगह पे आ गया, अच्छा बी डी की जगह पे आ गया, डी यहां पे आ गया, सी यहां पे आ गया, एक कंप्लीट रोटेशन कर लिए। अब जब आप दोबारा लाओगे तो ये चीज बन जाएगी, ठीक है। तो चार अगर बंदे थे तो चार केसेस आपके सामने मैंने बना दिए। अब आप कहीं से भी पढ़ना स्टार्ट करो, फॉर एग्जाम्पल हम यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ये होगी ए बी डी सी। अब मैं बात करूं लीनियर, अगर आप कंसीडर करो तो लीनियर में लेके जाओगे ये होगा ए बी डी सी, अच्छा ये हो जाएगा सी ए बी डी। कहीं से भी पढ़ना स्टार्ट कर दो, आप एक फिक्स कर दो कि मैं यहां से पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। आप करो ये हो जाएगा डी सी ए बी और ये हो जाएगा बी डी सी ए। आप यहां पे ऑब्जर्व करोगे जब मैं इनको लीनियर स्ट्रेट लाइन में अरेंज कर रहा हूं तो ये सब डिफरेंट है आपस में। डिफरेंट क्यों भाई, ये स्टार्ट ए से हो रहा है एंड सी पे हो रहा है, ये स्टार्ट सी से हो रहा है एंड डी पे हो रहा है। अच्छा जरूरी नहीं कि स्टार्ट और एंड अगर डिफरेंट जगह से हो तो परमुटेशन डिफरेंट है, कभी स्टार्ट और एंड सेम ही हो सकता है लेकिन दरमियान में अरेंजमेंट डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल ये ए और सी में इस तरह भी लिख सकता हूं, अभी भी स्टार्ट ए से हो रहा है सी पे एंड हो रहा है लेकिन अरेंजमेंट में थोड़ी चेंज कर दी है। तो कहने का मतलब है कि लीनियर अगर आप परमुटेशन देखो तो ये चारों के चारों अलग है, क्योंकि मेन वजह यह है कि आपको पर्टिकुलर स्टार्ट पता होता है, एंड पता होता है, दरमियान में आप अरेंजमेंट देख रहे होते हो। अब हम सर्किल में देखते हैं, क्या सर्किल में ये चीज फॉलो होती है नहीं, क्या सर्किल में जो मैंने चार परमुटेशन लिखी हैं लीनियर, क्या ये सर्कुलर भी चार परमुटेशन है, देख लेते हैं। अब सवाल उससे पहले ये है कि लीनियर में आपको पता होता है ना यहां से चीज स्टार्ट हो रही है, यहां पे एंड हो रही है, दरमियान में जो नंबर है उनका ये ऑर्डर पूरा चल रहा है। सर्किल में आप ये नहीं देख सकते, वही वजह मैंने बताई है, सर्किल में आप ये नहीं बोल सकते कि स्टार्ट डी से हो रहा है। क्यों भाई स्टार्ट डी से क्यों हो रहा है, मैं कहता हूं बी से स्टार्ट हो रहा है, अच्छा कोई कहेगा सी से स्टार्ट हो रहा है, आपको तो एग्जैक्ट पता ही नहीं स्टार्ट कहां से हो रहा है एंड कहां पे हो रहा है ये भी नहीं पता आपको। तो कहने का मतलब फिर सर्किल में आप किस तरह कहते हो, सर्किल में आप रिलेटिव पोजीशन देखते हो। फॉर एग्जांपल रिलेटिव पोजीशन का मतलब ये कि आपके लेफ्ट पे फलां दोस्त बैठा हुआ है, राइट पे फलां दोस्त बैठा हुआ है, ये रिलेटिव पोजीशन है एक दूसरे के हिसाब से पोजीशन। कि फॉर एग्जांपल मेरे दो दोस्त हैं, अच्छा वाला इरफान है एक और कंसिडर कर लेते हैं, साद भी है, अच्छा तो मेरे नाम पे है उसका। तो फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट पे इरफान है, राइट पे साद है। अब मैं कहीं भी चला जाऊं अगर मेरे लेफ्ट पे इरफान और राइट पे साद रहेगा तो मेरी पोजीशन चेंज नहीं हुई, रिलेटिव पोजीशन तो सेम ही है, समझ रहे हो आप लोग बात। सर्किल में रिलेटिव पोजीशन देखी जाती है, तो अगर किसी भी अरेंजमेंट में मेरे लेफ्ट पे इरफान हो राइट पे साद हो तो मेरे लिए तो कोई चेंजिंग नहीं है ना, मैं अभी भी उसको इस तरह देख रहा हूं उसको इस तरह देख रहा हूं, कोई चेंजिंग हुई नहीं है। तो सर्कुलर में चेंजिंग उस वक्त कंसिडर होती है जब आप रिलेटिव पोजिशन आपकी चेंज होती है। अब जरा इस एग्जाम्पल में समझो, ए के लेफ्ट पे बी है, ए के राइट पे सी है, ए के ऊपर डी है, याद रखना लेफ्ट पे बी राइट पे सी। अगर ए इधर आ गया, अभी भी ए के लेफ्ट पे बी है, राइट पे सी है, ऊपर डी है। फॉर एग्जाम्पल ए अब यहां पे चला गया, अगर आप ऊपर खड़े हो तो आपका लेफ्ट पे बी राइट पे सी सामने डी, सेम इसी तरह ए के लेफ्ट पे बी राइट पे सी सामने डी। तो कहने का मतलब ये कि चार जो मैंने लीनियर परमुटेशन को सर्कल में अरेंज किया ये डिफरेंट नहीं है सर्किल में, सर्किल में इसको आप एक ही मानोगे, सर्किल में कहोगे इन सबकी पोजिशन एक ही है, ये डिफरेंट नहीं है आपस में, ठीक है। तो आपने ऑब्जर्व किया जो चार लीनियर परमुटेशन बन रही थी उसकी एक ही सर्कुलर परमुटेशन है, बाकी सब कॉपी की नहीं, आपने ऑब्जर्व भी नहीं किया हुआ, ये बस एक आप इसमें से कोई भी कंसिडर कर लो आपकी मर्जी, कोई एक कंसिडर कर लो दैट्स इट, उसमें रिलेटिव पोजिशन आप देख लोगे बस, उसके बाद अलग में डिफरेंट रिलेटिव पोजिशन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई अलग बनाऊं तो इस तरह बना देते हैं ए सी बी डी, अब ये अलग है, क्यों, अब ए के लेफ्ट पे सी है, ए के राइट पे बी है और ऊपर बेशक अभी भी डी है लेकिन हल्की फुल्की चेंजिंग कर दी है, लेफ्ट पे सी कर दिया, राइट पे बी कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आप लेफ्ट पे बी रखो, ऊपर सी ले जाओ, आप यहां पे डी ले जाओ, ये भी अलग है, ए के लेफ्ट पे बी, ए के राइट पे डी है, ए के टॉप पे सी है।
तो कहने का मतलब है कि ये प्रॉब्लम आता है कि चार लीनियर परमोटेशन पे एक सर्कुलर परमोटेशन होती है। तो अगर आप इस फॉर्मूले को आगे एक्सटेंड करो, 8 लीनियर परमोटेशन पे 2 सर्कुलर, 12 लीनियर परमोटेशन पे 3, 16 पे 4, 20 पे 5, 24 पे 6 हो जाएंगे। तो यहां पे लीनियर परमोटेशन 4 है ना, 4 को अरेंज करने का कितना तरीका होता है, 4 फैक्टोरियल होता है, ये लीनियर परमोटेशन है। सर्कुलर परमोटेशन अगर आपको निकालनी हो चार चीजों को सर्कल में अरेंज करने की, तो आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे, जो आपने भी देख लिया था कि चार लीनियर परमोटेशन पे एक सर्कुलर आ रही थी तो 4 से डिवाइड कर रहे थे ना, तो वही काम करना है। लीनियर परमोटेशन निकालो, 4 फैक्टोरियल होता है, डिवाइड बाय 4 कर दो, दैट्स इट। और आप लोगों को ये मेरे पैटर्न उस वक्त बताया था जब मैं आप लोगों को 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर प्रूफ कर रहा था। मैं कह रहा था अगर 4 फैक्टोरियल को 4 से डिवाइड करोगे तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, जस्ट लाइक अगर आप 3 फैक्टोरियल को 3 से डिवाइड करते हो 2 फैक्टोरियल आ जाता है, 2 फैक्टोरियल को 2 से डिवाइड करते हो 1 फैक्टोरियल आता है। तो उसी तरह मैंने लिखा कि 4 फैक्टोरियल को अगर मैं 4 में डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल। तो यहां पे आपने ऑब्जर्व किया, चार चीजों को अगर आपने लीनियरली अरेंज करना है तो 4 फैक्टोरियल, चार चीजों को आपने सर्कुलर पैटर्न में अरेंज करना है तो 3 फैक्टोरियल, मतलब एक कम फैक्टोरियल है। तो क्या ये बाकी चीजों पे भी वैलिड है? हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि फॉर्मूला हम जो बना रहे हैं हम तसल्ली कर लें कि यार हमने फॉर्मूला सही बनाया बिल्कुल। तो कंसिडर करते हैं समझने के लिए, फॉर एग्जाम्पल हम 3 ले लेते हैं, ए बी सी। अगेन ए को यहां पे ले आओ, बी को यहां पे ले आओ, सी को यहां पे ले आओ। अच्छा अगेन ए को यहां पे ले आओ, बी को यहां पे ले आओ, सी को यहां पे ले जाओ। ये तीन अच्छा लीनियर परमोटेशन फॉर एग्जाम्पल यहां से मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूं, ये हो जाएगा ए बी सी, ये हो जाएगा सी ए बी, ये हो जाएगा बी सी ए। अब लीनियर परमोटेशन तो तीनों डिफरेंट है, लेकिन क्या सर्कुलर परमोटेशन भी तीनों डिफरेंट है? नहीं, सेम ही है। ए के लेफ्ट पे भी, ए के राइट पे सी, ए के लेफ्ट पे भी, ए के राइट पे सी, ए के लेफ्ट पे भी, ए के राइट पे सी, तीनों सेम ही है। तो उसका मतलब लीनियर परमोटेशन 3 है लेकिन सर्कुलर परमोटेशन 1 है। तो यहां पे आप किससे डिवाइड कर रहे हो? 3 से डिवाइड कर रहे हो। 6 लीनियर होंगी, 2 सर्कुलर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे तीन चीजों को लीनियर में अरेंज करने का क्या फॉर्मूला होता है? 3 फैक्टोरियल। और अगर आपने तीन चीजों को सर्कुलर में अरेंज करना है तो आप क्या करोगे? 3 से डिवाइड कर दोगे। भाई 3 लीनियर परमोटेशन थी लेकिन हकीकत में 1 ही सर्कुलर थी, तो जब इसको डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल। तो यहां पे अगेन आप ऑब्जर्व करोगे कि लीनियर को लीनियर में अरेंज करने का 3 फैक्टोरियल, सर्कुलर में अरेंज करने का 2 फैक्टोरियल। तो यहां पे आप ये कंफर्म बात कह दोगे कि अगर आपने सर्कुलर में अरेंज करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? जो लीनियर का फॉर्मूला होता है उससे 1 माइनस कर दो आप। फॉर एग्जाम्पल 7 चीजें हैं, उनको लीनियर में अरेंज करना है 7 फैक्टोरियल, सर्कल में अरेंज करना है 6 फैक्टोरियल, एक कम फैक्टोरियल आप ले लोगे, ठीक है। तो इसको फॉर्मूले को जनरलाइज आप किस तरीके से लिखते हो कि जब आप सर्कल में अरेंज करना होता है तो नंबर ऑफ परमोटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ परमोटेशन का फॉर्मूला हो जाता है बच्चों एन माइनस 1 फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है, एक कम फैक्टोरियल। लीनियर में 7 तो सर्कुलर में 6, लीनियर में 10 सर्कुलर में 9, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब दूसरी बात, सर्कुलर में जो अभी आपने अरेंजमेंट देखी है इसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेशन डिफरेंट मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने आप लोगों के सामने लिखी है ये क्लॉकवाइज लिखी हुई है ना, अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज कर दूं, फॉर एग्जाम्पल अब आपको पता है कि यार तीनों एक ही हैं, तो कोई एक कंसीडर कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको कंसीडर करते हैं, बाकी तो कॉपी है ना इसकी और रोटेट किया हुआ और तो कुछ नहीं है, इसको कंसीडर करते हैं। इसमें आप क्लॉकवाइज आ रहे थे, अब जरा एंटी क्लॉकवाइज आते हैं, ए बी सी, तो आप ये बात ऑब्जर्व करोगे एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट है। क्लॉकवाइज में ए के लेफ्ट पे बी था, राइट पे सी था, जबकि एंटी क्लॉकवाइज में ए के लेफ्ट पे सी है, ए के राइट पे बी है। तो आप यहां पे ऑब्जर्व करोगे कि अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो 3 परमोटेशन मिलेंगी जो कि हकीकत में एक ही होगी जो आपने देखी थी। इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो मजीद 2 और आप बना सकते हो इसके, तो एंटी क्लॉकवाइज में भी 3 आप बनाओगे लेकिन होगी बेसिकली एक ही, तो एक होगी क्लॉकवाइज, एक होगी एंटी क्लॉकवाइज, दैट्स व्हाई 2 परमोटेशन आपको मिल रही है सर्कुलर में। और फॉर्मूला भी आपको बता रहे ना, 3 चीजें, 3 माइनस 1 क्या होता है? 2, 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर है, ठीक है। तो यहां से आपने एक इंपॉर्टेंट बात ऑब्जर्व की कि सर्किल में अगर आप अरेंज कर रहे हो तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट परमोटेशन बनती है। ये चीज इस फॉर्मूले से रिलेटेड नहीं है, ये मैं अलग कॉन्सेप्ट जो बताऊंगा उसमें काम आएगी आपको, तो इसको बस आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। अनलेस अगर वो अच्छा इनका सवाल किस तरीके से आता है, इसका सवाल ये आता है कि टेबल के अराउंड आपने लोगों को अरेंज करना है, आप ऑब्जर्व करोगे टेबल के अराउंड लोगों को अरेंज करना है, ठीक है। डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट केसेस आ जाएंगे, 6 औरतें हैं, 6 मर्द हैं, उनको अरेंज करना है, 6 लेडीज में से 2 एक साथ बैठे, वो कंडीशन अलग होंगी, लेकिन पेपर में जब इसका सवाल आता है तो ये आता है कि आपने टेबल के अराउंड लोगों को अरेंज करना है।
तो नंबर ऑफ परमोटेशन टेबल में लिख देता हूं, अराउंड टेबल में कर देता हूं, ताकि आप लोगों को ये वर्ड याद रहे कि एमसीक्यूज में यही वर्ड आते हैं कि आपने टेबल के अराउंड अरेंज करना, अराउंड टेबल, क्योंकि सर्किल के अराउंड अरेंज क्यों नहीं करना वो मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि सर्किल एक जनरल वर्ड है, टेबल भी एक सर्किल के सेंस में यूज होगा, और जो मैंने सबसे पहले तस्बीह की एग्जांपल दी थी वो भी सर्किल के सेंस में इस्तेमाल होगा, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, फॉर्मुला में बहुत बड़ा फर्क है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, बताने जा रहा हूं सर्किल तो दोनों ही है, टेबल भी एक सर्कुलर आपने कंसीडर कर लिया, और जो आपने तस्बीह डिस्कस की है वो भी क्या है, सर्किल ही है, मेरे जहन में आता है सर्किल ना हो रेक्टेंगल हो, तो एकदम से मेरे जहन में कि रेक्टेंगल के अराउंड अगर आपने अरेंज करना है तो फॉर्मूला वही होगा, फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, बात है कि स्टार्ट एंड नहीं पता ना, रेक्टेंगल में भी क्या स्टार्ट है क्या एंड है, आप किसी भी वर्टेक्स पर नहीं बोल सकते यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां से एंड हो सकता है, तो अगर टेबल आपके मेरे जहन में आता है, किसी ने कमेंट कर दिया कि रेक्टेंगुलर टेबल हुआ सर फिर क्या करेंगे, तो वो मेरे जहन में आ रहा है, उसमें भी फॉर्मूला सेम ही रहेगा, क्योंकि टेबल रेक्टेंगुलर हो स्क्वायर हो या सर्कुलर हो आपको स्टार्ट एंड नहीं पता होता, जैसे स्ट्रेट लाइन का होता है, जैसे स्ट्रेट लाइन ये है मुझे पता है ये इसका स्टार्ट है ये इसका एंड है, या अगर आप किसी और रेस्पेक्ट से बात करो ये स्टार्ट ये एंड है, कोई एक फिक्स करोगे ना आप तो, लेकिन रेक्टेंगल में तो ऐसा नहीं हो सकता, रेक्टेंगल के फॉर एग्जाम्पल चार वर्टेक्स हैं, तो चारों वर्टेक्स में से किससे स्टार्ट करोगे, तो अगेन वही कॉन्सेप्ट होगा उसके अंदर भी, सही। अच्छा अब यहां पे जो फॉर्मूला है ना एन माइनस वन फैक्टोरियल, इसको डिफरेंट अंदाज में भी अप्रोच किया जाता है, एक तो मैंने आपको ये डिवाइड करके बता दिया था ना कि फोर फैक्टोरियल डिवाइड बाय फोर, थ्री फैक्टोरियल डिवाइड बाय थ्री, इसको एक और अंदाज में बताया जाता है, इसको एक और अंदाज में इस तरीके से बताया जाता है कि सर्कुलर को लीनियर में कन्वर्ट करने की हम कोशिश करते हैं, हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि यार सर्कुलर में आप एक क्या करो, सर्कुलर को अगर लीनियर में आपने कन्वर्ट करना है, आप एक काम करो कि आप किसी एक को फिक्स कर दो, अगर आप एक को फिक्स कर दोगे तो बाकी को आप एज अ लीनियर परमोटेशन कंसीडर करो, फॉर एग्जांपल मैं इस वाली एग्जांपल की बात करता हूं, चार है तो मैं हमें बात अच्छी समझ आ जाएगी, ये है ए, इसको इस तरह कंसीडर करते हैं, ए बी सी डी, अभी कोई स्टार्ट नहीं कोई एंड नहीं, कहीं से भी आप कर सकते हो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मैं एक को फिक्स कर दूं, फॉर एग्जांपल ए फिक्स हो गया, ये नहीं हिल सकता, इसको मैंने फिक्स कर दिया, अब जब एक चीज फिक्स हो जाए तो आसानी क्यों हुई कि बाकी को आप एज अ लीनियर परमोटेशन अरेंज करो, कैसे, अभी लिखा हुआ है बी डी सी, आप इसको क्या, मैं डिफरेंट परमोटेशन ऊपर ही लिख रहा हूं इसके, आप क्या करो, आप यहां पे बी रहने दो, यहां पे सी ले आओ, यहां पे डी ले जाओ, अलग होगी ना, पहले ए के लेफ्ट पे बी था, ए के राइट पे सी था, अब ए के लेफ्ट पे बी है, ए के राइट पे डी है, और ए के टॉप पे अब सी है, पहले डी था, अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, यहां पे सी ले आओ, यहां पे बी ले जाओ, यहां पे डी ले आओ, इसी तरह यहां पे सी कर दो, यहां पे डी कर दो, यहां पे बी कर दो, अलग बन गई, इसी तरह यहां पे डी करो, यहां पे बी करो, यहां पे सी करो, डी सी बी, ये सब डिफरेंट है, तो आप यहां कंसीडर करो कि अगर आप एक को फिक्स कर दो ना तो ये एज अ लीनियर बन जाएंगी बाकी, तो आपको अरेंज करना बिल्कुल वही है जैसे आप लीनियर में अरेंज करते थे, तीन चीजों को, चार थी ना, एक को फिक्स कर दिया, बाकी तीन को अरेंज कर लो, तो सेम वही कॉन्सेप्ट आएगा, उतनी परमोटेशन आएगी, जैसे इस वाले फॉर्मूले में चार को अरेंज करने के कितने आ रहे थे, हर चार लीनियर परमोटेशन पे एक सर्कुलर आ रही थी, तो 24 लीनियर परमोटेशन है, चार सर्कुलर परमोटेशन थी, तो वही आप देख लोगे यहां पर, यहां पे अगर आप ऑब्जर्व नहीं 24 लीनियर परमोटेशन थी तो 6 सर्कुलर परमोटेशन थी, तो यहां पर ऑब्जर्व कर लो कि सारी पॉसिबिलिटी आपने लिख दी है, आपने ए को फिक्स किया तो एक परमोटेशन क्या है, बी डी सी, लेफ्ट पे बी, राइट पे सी, टॉप पे डी, फिर दूसरी परमोटेशन बी सी डी, फिर सी बी डी, फिर होगा सी डी और डी, इस तरीके से 6 जो है वो मैंने आप लोगों के सामने लिख दी। अब जो नेक्स्ट रूल है ना उस पर आ जाते हैं, और नेक्स्ट रूल तो मैं नहीं बोलूंगा, इसी का केस हम डिस्कस कर लेते हैं, इसी का केस वन है कि अगर आपने नंबर ऑफ परमोटेशन निकालनी हो, नंबर ऑफ परमोटेशन का फॉर्मूला है एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू, अभी किस सिचुएशन में है कि अराउंड नेकलेस अगर आपने अरेंज करना है, अराउंड नेकलेस बोला जाए या गार्लैंड बोला जाए, गार्लैंड वो गजरा होता है, वो हाथों में जो पहनते हैं ना खवातीन का होता है, जो फूल लगे होते हैं जिसके ऊपर, गार्लैंड हो गया, या आप तस्बीह भी कह सकते हैं, इस टाइप का सवाल आता नहीं है लेकिन आ भी सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, नेकलेस हो गया, गार्लैंड हो गया, तस्बीह होगी, एक ही सिचुएशन में आते हैं, और मैं बताता हूं इनमें फर्क क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, इस वाली सिचुएशन में सर्कुलर में क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज
ये डिफरेंट थी, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि सर्कुलर अकोमोडेशन में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डिफरेंट कंसीडर की जाती हैं, जबकि इस वाली सिचुएशन में क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज सेम कंसीडर की जाएगी। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं इन केसेस के अंदर? अब जरा मैंने बताया था ना, सर्किल तो दोनों है, सर्किल तो टेबल भी है, सर्किल तो नेकलेस भी है, फर्क क्यों आ रहा है इनके अंदर? फर्क इसलिए आ रहा है कि अगर आप टेबल को देखते हो तो टेबल को आप उल्टा नहीं कर सकते। सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने लोगों को अरेंज करना है तो आप सामने से अरेंज कर सकते हो, ये नहीं कि टेबल को नीचे। मैं इसको पहले दूसरे वाले केस को समझाता हूँ फिर टेबल पे लाता हूँ, वरना अभी आपको बात समझ नहीं आएगी। पहले नेकलेस का केस समझो, नेकलेस में होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नेकलेस है, थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं ना गले में पहनने तो फायदा हो। फॉर एग्जाम्पल आपने अरेंज किया, इसको ए करते हैं, ये बी हो गया, ये सी हो गया। फॉर एग्जाम्पल तीन, फॉर एग्जाम्पल आपने मोती डाल लिया नेकलेस के अंदर, ये समझ लो जिसको इंग्लिश में आप बीड्स कहते हो, बीई ए डी एस, आपने नेकलेस के अराउंड अरेंज करना है। तो अब फर्क क्यों है इसके अंदर? देखो नेकलेस, तस्बी, गार्लैंड, इनमें प्रॉब्लम ये आती है कि आप फॉर एग्जाम्पल नेकलेस अगर मेरे इस सामने इस तरह खड़ा है, ये भी मैंने आप लोगों के मेरे पास नेकलेस है नहीं, देखो हमारी है नहीं, हमारे पास वरना उनका नेकलेस उतार लेते। तो नेकलेस जो है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने इस तरह पकड़ा हुआ है, तस्बीह भी नहीं है माशाल्लाह, हाथ भी गिनते हैं हम, सुन्नत पे अमल करते हैं, कुछ भी नहीं है सर्कुलर चीज हमारे पास। खैर इसको वैसे ही हम समझ लेते हैं कि अगर आपके पास एक नेकलेस है, ठीक है, नेकलेस को दो तरफ से देखा जाता है, इस चीज को ध्यान में रखना। अभी तक ये समझे नेकलेस जो है ये मैंने उठाया है, ये साइड आपकी तरफ है, तो अभी आपको क्या नजर आ रहा होगा, ये आप लोग इस तरह देख रहे हो इसको, आपको नजर ये आ रहा है कि ए के राइट पे भी है, ए के लेफ्ट पे भी है, आप लोगों को ये नजर आ रहा होगा। कंसीडर कर लो आप इसके पीछे चले जाओ, मुझे क्या नजर आ रहा होगा? फॉर एग्जाम्पल अभी यहां पे ए है, यहां पे सी है और यहां पे बी है। आप लोगों के रेस्पेक्ट से अगर मैं बात, फॉर एग्जाम्पल इसको सिचुएशन में थोड़ा इजी करते हैं ताकि बात समझ आए ना, इसको इस तरह समझते हैं, ए को यहां पे ले आते हैं, बी को यहां पे ले आते हैं, बात ज्यादा समझ आ जाएगी। आप लोगों के लेवल पे ए यहां पे है, बी यहां पे है और सी यहां पे। आप लोगों के रेस्पेक्ट से अगर हम बात करें तो ए के लेफ्ट पे बी है, ए के राइट पे सी है, आप लोगों के लेवल से। लेकिन अगर मैं इस नेकलेस को देखूंगा तो याद रखना यहां पे बी है, यहां पे सी है। तो अब ए जो नीचे है उसके लेफ्ट पे सी है, उसके राइट पे बी है, मुझे इस तरह नजर आ रहा है। इस चीज को आप अगर पीछे से देखोगे ना तो आपको पीछे से बिल्कुल देखो, ए के लेफ्ट पे आपको सी नजर आएगा, ए के राइट पे बी नजर आएगा, जबकि आगे से आप देख रहे हो ए के लेफ्ट पे बी है, राइट पे सी है। पहले सिचुएशन में ए के लेफ्ट पे सी था, राइट पे बी था। तो होता यह है कि नेकलेस में आप दोनों तरफ, एक नेकलेस आपने इस तरह पकड़ा आप उसको टर्न कर दो तो सेम बन जाए। फॉर एग्जाम्पल नेकलेस को मैं सामने से इस तरह पकड़ा है, अगर मैं इसको टर्न कर दूंगा नेकलेस को तो आप ये सिचुएशन बन जाएगी। लेकिन टेबल को तो टर्न नहीं कर सकते ना, ये फर्क है जो मैंने बताना था। टेबल अगर आपने लोगों का अरेंज करना है तो टेबल को एक ही तरफ से आप देखते हो, टेबल के नीचे से नहीं आप देख सकते, या टेबल को टर्न नहीं कर सकते, वो लोग ही उल्टे हो जाएंगे पूरे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन नेकलेस में होता है, नेकलेस में अगर आप इस तरह देखो या इस नेकलेस को यूं कर दो, बिल्कुल टर्न कर दो इसको, तो ये दोनों एक ही चीज पे है। क्या आपने कोई अरेंजमेंट चेंज किया है? क्या ए बी सी जो आपने मोती डाले हुए थे उनकी पोजीशन यहां पे कोई चेंज की है? नहीं, आपने तो नेकलेस को टर्न किया बस, इसका मतलब आपने कोई चेंजिंग नहीं की, अरेंजमेंट वही रही है, लेकिन यहां पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट नहीं कंसीडर होंगे, ये वजह है। टेबल में आप टर्न नहीं कर सकते या टेबल को नीचे से नहीं आप देख सकते, आप ऊपर से ही देखोगे, तो दैट्स व्हाई आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट लगेंगे। जैसे आप टेबल को ऊपर से देखो ये क्लॉकवाइज हो जाएगी, ये एंटी क्लॉकवाइज होगी, डिफरेंट होगी। लेकिन नेकलेस में ये नहीं है, ये आपने सामने से देखा, अगर आप पीछे से देखोगे तो आपको ये अरेंजमेंट नजर आ रही होगी। या दूसरी लैंग्वेज में अगर आपको नेकलेस तरह नजर आ रही है, आपने अरेंज किया, ये कंसीडर कर लो मोती ए, मोती बी, मोती सी, अगर आप इसको टर्न करोगे तो अरेंजमेंट आपने कोई चेंजिंग नहीं की इसके अंदर, कुछ आपने चेंज नहीं किया, लेकिन आप ऑब्जर्व करो वही चीज अब एंटी क्लॉकवाइज हो रही है आपको। तो दैट्स व्हाई जो ये वाला केस होता है इसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो आप क्या करोगे, आप टू से डिवाइड करोगे, क्यों? क्योंकि आपने बात ऑब्जर्व की थी कि अगर छह आपके पास सर्कुलर अकोमोडेशन आ रही है चार के अंदर, तो इसमें होगा क्या कि एक सर्कुलर, सॉरी एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, जैसे इसमें आपने देखा था एक क्लॉकवाइज थी एक एंटी क्लॉकवाइज थी, इसी तरीके से अगर चार में छह आ रही थी ना सर्कुलर अकोमोडेशन, तो दो क्या होंगी, एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक, फिर जो बाकी दो है एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक, फिर बाकी दो जो है वो एक क्लॉक होगी एक एंटी क्लॉक होगी, ठीक है? तो कहने का मतलब ये कि जो इस वाले फॉर्मूले में एक क्लॉक आती थी एक एंटी क्लॉक आती थी, मतलब दो आती थी सर्कुलर अकोमोडेशन, जबकि इस सिचुएशन में वो जो दो है वो एक ही मानी जाएंगी। इसी तरह जो चार है वो दो मानी जाएंगी, मतलब टू से डिवाइड आप यहां पे कर रहे हो। तो दैट्स व्हाई जो सर्कुलर अकोमोडेशन का फॉर्मूला था उसको आप बस टू से डिवाइड कर दो, ये वाला केस बन जाएगा, ठीक है?
तो ये सर्कुलर परमुटेशन का ही केस था, वो मैंने उसके साथ ही आप नो करवा दिए। सवाल किस तरीके से आता है कि आपने बीड्स को अरेंज करना है, नेकलेस में बीड्स आपने अरेंज करने हैं, इस टाइप का सवाल आएगा तो आप n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 कर दोगे। और अगर आए कि अराउंड टेबल आपने लोगों को अरेंज करना है, यही सवाल आता है और डिफरेंट सिचुएशन के साथ दे देते हैं लेकिन सवाल यही होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, n माइनस वन फैक्टोरियल। तो बच्चों परमुटेशन के सारे केसेस मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दिए, अब हम इसकी थ्योरी पे आएंगे। एक चीज मैं पहले से बता दूं, परमुटेशन का एक और रूल भी बताया जाता है, अब जरा उस रूल को देखते हैं कि वो रूल मैं क्यों नहीं बता रहा आप लोगों को। परमुटेशन का एक बहुत ही मशहूर रूल है जो टीचर्स काफी बताते हैं, ये वाला आपने देखा होगा काफी, जिसने परमुटेशन पहले से सीखी हुई किसी और से तो उसने शायद ये बताया हो, एन टू द पावर आर। अब ये बताया कब जाता है, इसको बोलते हैं परमुटेशन विद रिपीटेशन, जबकि मैंने शुरू में कहा था परमुटेशन विद रिपीटेशन कोई केस नहीं है, रिपीटेशन परमुटेशन में हो ही नहीं सकती, एक बहुत ही आइडियल केस दिया हुआ है। परमुटेशन एक अरेंजमेंट है चीजों की, तो चीजों में रिपीटेशन नहीं हो सकती। जैसे वो आप करते थे कि अगर 10 डिजिट है आपके पास और आपने 4 डिजिट का पिन बनाना है, तो मैंने कहा था यार कंसीडर करो आपके पास 10 डिजिट सामने आपके पड़े हुए, तो आप कोई भी डिजिट अगर यहां पे पुट करोगे तो वो डिजिट दोबारा कैसे आएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक 1 एक बॉक्स में 1 लिखा हुआ है, आप उसको इधर पहली प्लेस पे ले आते हो तो वो तो आपने इस्तेमाल कर लिया, अब दोबारा 1 को कहां से लाओगे। लेकिन अभी आइडियल केस है, हम कहते हैं अगर 1 एक दफा यूज कर लिया 1 को दोबारा यूज कर सकते हो, आइडियल केस कंसीडर किया हम, ठीक है। तो ये मैंने तभी प्रोडक्ट प्रिंसिपल से करवाया हुआ था, मैंने आज तक रिपीटेशन का कोई भी सवाल को परमुटेशन से नहीं मैं करवाऊंगा। जितने डिजिट वाले सवाल थे अभी, जितने फॉर एग्जांपल अल्फाबेट वाले तो नहीं होते, डिजिट वाले ज्यादातर सवाल होते हैं, और किस्म के सवाल होते हैं वही बताता हूं मैं, तो हमेशा मैंने प्रोडक्ट प्रिंसिपल से करवाया क्योंकि परमुटेशन रिपीटेशन कोई है ही नहीं। अब सवाल है कि कोई जो टीचर बताते हैं एन टू द पावर आर, ये परमुटेशन विद रिपीटेशन का फॉर्मूला है, अब मसला क्या होता है। मुझे फॉर्मूले से मसला नहीं है, फॉर्मूला यूज कर सकते हो, मसला है कि जब आप बोलते हैं ना परमुटेशन विद रिपीटेशन का फॉर्मूला, तो अब स्टूडेंट क्या समझते हैं, ये एन और आर स्टूडेंट वही समझते हैं जो परमुटेशन का होता है, कि व्हेन यू हैव एन ऑब्जेक्ट और आपने उसमें से आर चूज किए। और डेफिनेटली ये बच्चों को पता है, ये बात शायद मैंने अपने परमुटेशन वाले लास्ट केस में नहीं बताई थी, कि एन जो है वो हमेशा ग्रेटर होता है आर से, या तो एन आर के बराबर होगा या एन आर से ग्रेटर होगा, क्योंकि एन होता था टोटल ऑब्जेक्ट जिसमें से आप आर चूज करते थे, या तो आप सब चूज कर लोगे तो आर बराबर हो जाएगा एन के, या आप उसमें से कुछ चूज करोगे तो आर हमेशा लेस ही रहेगा एन से, या एक सिचुएशन में बराबर हो जाएगा। जबकि इस वाले फॉर्मूले में आप कितनी दफा देखोगे कि एन छोटा होगा आर से, आर बड़ा होगा, ये मैं भी आपको एग्जांपल दूंगा। तो अगर इसको परमुटेशन आप बोलोगे ना, स्टूडेंट के जहन में बात और वो फॉर्मूला गलत कर देंगे। मैंने ऐसे भी टीचर्स को देखा जिन्होंने सवाल ही गलत करवाया है, मैं बताऊंगा कौन सवाल में मिस्टेक है, काफी सवाल है जो इसमें मिस्टेक हो जाती है वो, क्योंकि इसको अगर आप कंपेयर करोगे एन आर से परमुटेशन के तो मसला हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं डिफरेंट आपको केसेस बताता हूं जिसमें ये एन और आर बराबर हो सकते हैं, जिसमें एन ग्रेटर हो सकता है, जिसमें आर ग्रेटर हो सकते हैं। तो पहले मैं ऑलरेडी बता रहा हूं कि मैं परमुटेशन से नहीं करवाता, कभी भी रिपीटेशन आती तो मैं ये नहीं बोलता परमुटेशन, क्योंकि परमुटेशन में रिपीटेशन कुछ नहीं है भाई, परमुटेशन अरेंजमेंट है, चीजों की अरेंजमेंट होगी, जो गिवन चीजें हैं उन्हीं को आपने अरेंज करना है, एक्स्ट्रा चीजें कहीं से नहीं आएंगी, ठीक है। हाँ, वो जो एक जो मैंने आप लोगों को करवाया ना, इसका यार रूल 3 नहीं होगा, रूल 3 होना चाहिए था ये, क्योंकि रूल 2 मेरे जहन में आ गया। रूल 2 मैंने आप लोगों को वो करवाया था कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो अलाइव होती है, ठीक है, तो वो रिपीटेशन नहीं था, वो तो चीजें ही आपको सेम गिवन है भाई। रिपीटेशन में आप करते क्या हो कि आप एक डिजिट यूज करते हो, आप कहते दूसरा बस खुद ही आ गया, पहले से नहीं गिवन होता, 1 एक दफा यूज किया पहले, खुद ही दूसरी दफा आ गया, खुद ही तीसरी दफा आ गया। जबकि वो जो रूल 2 मैंने आप लोगों को करवाया था उसके अंदर ये था कि गिवन आपको जो चीजें हैं ना उसी में कोई चीजें सेम है, तो उसमें आप फिर वो परमुटेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं, उसको आप बोलते हैं परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट सेम हो उसकी परमुटेशन आप किस तरह निकालते हैं। जबकि विद रिपीटेशन वाला केस डिफरेंट है, मैं कभी भी परमुटेशन से नहीं करवाता, जो बाप इसका रूल है ना वो है प्रोडक्ट प्रिंसिपल, मैं उसी से करवा रहा हूं। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि सिचुएशन में ये सब सिचुएशन आती है तभी मैं ये प्रेफर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बताया था 10 डिजिट है, अब 10 डिजिट को आपने अरेंज करना है कितने में, 10 डिजिट का गिवन है आपको टोटल मैथ के अंदर, डेसिमल सिस्टम जो आप यूज करते हो 10 डिजिट होते हैं, उसमें से आपको 4 डिजिट का पिन बनाना है, तो पहली प्लेस पे कोई भी 10 यूज कर सकते हो आप, और पिन बनाते हुए 0 का कोई मसला नहीं होता। आप कितने लोगों ने इवन आप मोबाइल जब खरीदने जाते हो सदर मार्केट में, तो वहां पर उन्होंने जो पिन रखा होता है वो 4-0 रखा होता है, तो पिन के अंदर कोई शक नहीं है कि पहले डिजिट पे 0 नहीं आ सकता, कोई 4 डिजिट का नंबर नहीं आप बना रहे, पिन बना रहे हो, तो कोई भी 10 डिजिट आ जाएंगे। अब रिपीटेशन अलाउ है तो नेक्स्ट दफा कोई भी 10 आ जाएंगे, नेक्स्ट दफा कोई भी 10, नेक्स्ट दफा कोई भी 10, ये हो जाएगा 10 की पावर 4। अब ये तो फॉर्मूला बड़ा इजी लगता है भाई, एन 10 है आर 4 है भाई, हमें देखने में लग रहा है, लेकिन कुछ सिचुएशन में ये बराबर भी हो जाएंगे। अब जरा देखते हैं किस सिचुएशन बराबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं 4 डिजिट दे दूं, 4321,
1234 भी कर सकते हैं। इन चार डिजिट से आपको चार डिजिट की ही पिन बनानी है, लेकिन रिपीटेशन अलाउ है। आप क्या करोगे, पहली प्लेस पे कोई भी चार पुट कर सकते हो, दूसरी प्लेस पे कोई भी चार क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है, तीसरी प्लेस पे कोई भी चार, चौथी प्लेस पे कोई भी चार। इधर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 की पावर 4। एरर आर आपस में बराबर है, लेकिन आप कुछ ऐसी भी सिचुएशन है जिसमें एन छोटा होगा, और ये स्टूडेंट कभी हैरान हो जाते हैं इनको देख के, क्योंकि उनके जहन में होता है एन हमेशा बड़ा होता है। भाई परमुटेशन में एन बड़ा ही होता है, लेकिन ये परमुटेशन नहीं है, ये प्रोडक्ट प्रिंसिपल का सवाल होता है। इसको बोलते हैं परमुटेशन विद रिपीटेशन, लेकिन बोलना नहीं चाहिए, परमुटेशन कहलाती नहीं है। परमुटेशन एक अरेंजमेंट होती है चीजों की, ये परमुटेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था, जैसे जो प्रोडक्ट प्रिंसिपल है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर सिचुएशन में आप यूज कर सकते हो, परमुटेशन हर सिचुएशन में यूज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को एमसीक्यूज की एग्जाम्पल करवाई थी, कि जब आपने फॉर एग्जाम्पल आपके भी बोर्ड में 40 एमसीक्यूज आएंगे 2022 के पेपर में, तो 40 एमसीक्यूज होंगे, हर ऑप्शन के हर एमसीक्यूज के चार ऑप्शन है। तो अब पहले एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने के कितने ऑप्शन है, चार ऑप्शन है। दूसरे एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने के चार ऑप्शन है, तीसरे को अटेम्प्ट करने के चार है। अब 40 को आपने अटेम्प्ट करना है, तो ये 4 जो है ये 40 दफा मल्टीप्लाई होगा। सिंपल लैंग्वेज में आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 4 to the power 40। ये रिपीटेशन है कि भाई पहली दफा आपने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया, दूसरी दफा भी ऑप्शन ए आ सकता है, तीसरी दफा भी ऑप्शन ए आ सकता है, चौथी दफा भी आ सकता है, रिपीटेशन वाला केस आ गया ना। लेकिन अब जरा फॉर्मूला देखो, 4 की पावर 40, एन 4 है, आर 40 है यहां पे। अब यहां पर स्टूडेंट घबरा रहे और घबरा के पता फॉर्मूला कौन सा यूज कर लेते हैं, वो ये यूज कर लेते हैं 40 to the 4, क्योंकि वो क्या करेंगे, उनको पता है एन 40 होता है, वो कहेंगे एमसीक्यू 40 है तो एन 40 कर लो, और कितने ऑप्शन है, चार ऑप्शन है, 40 की पावर 4, गलत कर देंगे वो। अब ये मैंने बताया फॉर्मूला बड़ा खतरनाक है अगर आप इसको परमुटेशन में कंसीडर करोगे। इसी तरीके से ये मैंने एक सिचुएशन आपको बताई है, लाइक ये जो नंबर आया ना 4 की पावर 40, इसका मतलब है इतने तरीके से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, कितने ज्यादा तरीके अटेम्प्ट करने के। मैंने लास्ट आप लोगों को सेवन पर उन्होंने बताया था कि इनका मतलब क्या क्या है, वहां पे देख लेना। अब मैं एक और सिचुएशन आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में 5 मैचेस हैं, ठीक है, आपको बताना है कि हर मैच के रिजल्ट क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल भाई 3 ही रिजल्ट होते हैं, अगर आप एक टीम के हिसाब से बात करो, या तो टीम जीतेगी या टीम हारेगी या वो मैच टाई हो जाएगा, 3 ही पॉसिबिलिटीज हैं, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं। बारिश हो सकती है, लेकिन उसमें भी मुकाबला टाई होता है ना, एक एक पॉइंट मिल जाते हैं, तो उसको टाई नहीं कंसिडर कर लेते हैं शायद। बार तो 3 हम रख लो कि जीत गए, हार गए या टाई हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल पहला मैच हुआ, पहले मैच के कितने आंसर आ सकते हैं, मतलब पहले मैच के कितने तरीके के रिजल्ट आ सकते हैं, 3 रिजल्ट आ सकते हैं भाई, 3 ऑप्शन है ना पहले मैच में, भैया तो जीत जाएंगे या हार जाएंगे, टाई हो जाएगा, 3 ऑप्शन है। दूसरे मैच में कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, तीसरे में 3, चौथे में 3, पांचवे में 3। प्रोडक्ट प्रिंसिपल है, सब एक साथ आपने बतानी है चीजें, ये हो जाएगा 3 की पावर 5। अगेन आप देखो एन छोटा है, आर बड़ा है, क्योंकि ये वो एन आर है ही नहीं परमुटेशन वाला, वो तो एन होता था भाई, इतने ऑब्जेक्ट है इन्हीं में से आपने चूज करने, ये वाली सिचुएशन ही नहीं है, तो ये परमुटेशन है ही नहीं, ये तो प्रोडक्ट प्रिंसिपल से अपने सवाल को करते हैं। अच्छा वैसे अगर आपके पास कोई चीज आ जाए कि ए बी सी गिवन है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन हो जिसमें रिपीटेशन हो, उनको आपने अरेंज करना है वो अलग बात है, जैसे परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट, लेकिन इन सिचुएशन में आप परमुटेशन नहीं बोलोगे, उनको नंबर ऑफ वेज बोलोगे, और अब ये प्रोडक्ट प्रिंसिपल से निकाल लोगे। और आखिरी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ये बड़ी मशहूर एग्जाम्पल है, सवाल भी है ईकैट में काफी आता है, कि आपके पास 6 फिंगर्स हैं, सॉरी 6 फिंगर्स कह रहा हूँ, आपके पास 6 रिंग्स है, और इसमें होता है कि 6 डिफरेंट रिंग होनी चाहिए, 6 डिफरेंट रिंग है, आपने 4 उंगलियों में अरेंज करनी है, सही है समझ लो, पहनानी है आपने, तो कितनी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल पहली अब देखो यहां पे स्टूडेंट गलती ही करते हैं कि वो ये जहन में समझते हैं कि 6 रिंग्स हैं आपके पास, ठीक है, और फिंगर्स कितनी है भाई, 4 फिंगर्स होती हैं, अनलेस किसी के पास 5 है वो मुझे नहीं पता, लेकिन नॉर्मली 4 ही होती है, अंगूठा होता है, अंगूठे में तो नहीं पहनेंगे, 6 रिंग्स है 4 फिंगर्स है, वो पता है सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, वो ये करते हैं भाई पहली रिंग में कोई भी 6 आ सकते हैं, दूसरी रिंग में भी कोई भी 6 आ सकती है, तीसरी में से भी कोई 6 आ सकती है, चौथी में भी 6 आ सकती है, और सवाल बताया कर देते हैं, और 6 6 6 6 ये हो जाएगा 6 की पावर 4। खुश भी कि एन बड़ा है आर छोटा, हमने सवाल कर दिया, गलत बात है। आप इसको इस तरह समझो, आप परमुटेशन के जब सवाल सॉल्व करते हो ना, ये प्रोडक्ट प्रिंसिपल के, तो आप ये देखते हो कि चॉइस किसके पास है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सवाल 7.1 का करवाया था कि 3 गेस्ट हैं, 6 रूम है, आप ये बोलोगे यार कि आपने उन 3 गेस्ट को रूम के अंदर बिठाना है, कितने पॉसिबिलिटीज है, तो क्या चॉइस रूम के पास है कि रूम सेलेक्ट करेगा किस गेस्ट को मैंने बिठाना है,
नहीं कि पहला रूम बोले कि यार मैं तीन गेस्ट को बिठा सकता हूँ, दूसरा रूम बोले नहीं मैं तीन को बिठा सकता, तीन 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 थ्री की पावर सिक्स कर दो, ऐसा नहीं होगा भाई। आप ऑप्शन जो है वो गेस्ट के पास है कि पहला गेस्ट के पास छह रूम है, दूसरे के पास पांच रूम है, तीसरे के पास चार रूम है, क्या तरीका होता है। इसी तरह जो आप रिंग पहनाते हो ना, तो ये रिंग की चॉइस है, मतलब पहना आप रहे होते हो लेकिन बेसिकली रिंग की चॉइस चल रही होती है ना, कि रिंग किस उंगली में जाना चाहती है। रिंग के पास चार ऑप्शन है, किसी भी चार उंगली में जा सकती है, तो पहली रिंग के पास कितने ऑप्शन है, चार ऑप्शन है। और इस वाले केस में हम ये डिस्कस, मतलब ये इंप्लाइड होता है इसके अंदर कि आप एक फिंगर में ज्यादा रिंग पहन सकते हो, छह की छह भी पहन सकते हो, आइडियल केस हम डिस्कस करते हैं, अनलेस वो रिस्ट्रिक्ट ना कर दें हमें, ठीक है। तो पहली रिंग के पास चार ऑप्शन है, किसी भी चार में जा सकती है। अब दूसरी रिंग की बात करते हैं, दूसरी रिंग भी तो किसी चार में जा सकती है ना, हमने ये तो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि एक में एक ही पहननी है, तो उसका मतलब दूसरी रिंग के पास भी चार ऑप्शन है, तीसरी के पास भी चार, चौथी पांचवी छठी, इन सब के पास चार चार ऑप्शन है, तो उसका आंसर क्या होगा, फोर की पावर सिक्स। किसी एक टीचर ने सिक्स की पावर फोर करवाया था, असल एक्चुअल आंसर क्या, फोर की पावर सिक्स। तो कंफ्यूजन ये होती है कि जब आप इसको परमुटेशन विद रिपीटेशन समझोगे ना, तो ये कंफ्यूजन हो जाती है, एंड टू द आर करके। और आखिरी में एग्जांपल दे दो, फॉर एग्जांपल आपके पास दो डिजिट है 1 2, और मैं आपको बोलता हूं कि आपने 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। यहां पे आप ये बोलोगे डिजिट मेरे पास 2 है सर, बोल रहे हैं 4 डिजिट के। अब इसको लोग परमुटेशन कह देते हैं, परमुटेशन कैसे होगी भाई, 2 डिजिट है परमुटेशन अरेंजमेंट है, इन 2 डिजिट को अरेंजमेंट को आप परमुटेशन बोलोगे ना, 2 डिजिट का 2 डिजिट से 4 नंबर कैसे बनाओगे, अगेन परमुटेशन नहीं है, ये प्रोडक्ट प्रिंसिपल से करोगे, ऑब्वियसली रिपीटेशन अलाउ होगी इसके अंदर। तो इसका किस तरह सॉल्व करोगे, दो ये सवाल आपने कभी भी नहीं सुना होगा कहीं से भी, एग्जाम्पल में किसी ने बताया नहीं होगा, क्योंकि इस एंगल से सोचा नहीं है। 2 डिजिट है, 4 का बनाओ जरा आप, पहली प्लेस पे कोई भी 2 आ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 आ गया, 1 दोबारा भी तो आ सकता है ना, दूसरी प्लेस पे भी कोई भी 2, तीसरी पे भी 2, चौथी पे भी 2, कितने केस बन गए, 2 की पावर 4, अगेन एन छोटा आर बड़ा है, 16 नंबर आप बना सकते हो इनसे 4 डिजिट के। आप कहोगे कैसे भाई बनाओ, कोई मुश्किल बात तो नहीं है, सबसे पहले 1 1 1 4 डिजिट का नंबर बन गया, 1 1 1 2 1 1 2 1, मतलब इसको अरेंज करो ना, इसको एक इस तरह अरेंज कर सकते हो, फिर आप 1 2 1 1 इस तरह कर दो, फिर 2 1 1 1 इस तरह कर दो, ठीक है, ये कितने 5 बन गए, फिर आप 2 1 करो, 2 2 करो, फॉर एग्जाम्पल 2 2 1 1, अब इसको किस तरह कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 2 1 2 1, आप इसको लिख सकते हो 1 1 2 2, कोई और पॉसिबिलिटी है, 2 1 1 2 इस तरह लिख सकते हो। इसी तरीके से फिर आप 4 2 के साथ करो, फिर 3 2 के साथ करो, इस तरह करते करते आप 16 बना सकते हो यहाँ पे। तो अगेन प्रोडक्ट प्रिंसिपल बोलोगे आप, इसको परमुटेशन विद रिपीटेशन नहीं कहोगे, बोलने में बात आती है लेकिन एक्चुअल जो चीज थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आप लोगों का क्लियर कर दिया। मैं देख लेता हूं अगर कोई टॉपिक मुझे पढ़ाना हो और परमुटेशन के अंदर, एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को सारी बता दी हैं, डिटेल में जितना कॉन्सेप्ट था सब क्लियर कर दिया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 7.2 जो है उसके रिमेनिंग क्वेश्चन, कुछ तो कर लिए थे हमने डिजिट वाले, बाकी क्वेश्चन जो इनको सॉल्व करते हैं। इस लेक्चर में इतना ही, अल्लाह हाफिज। अच्छा एक चीज जो मुझे बतानी थी, ये जो एन टू द आर पावर फॉर्मूला है ना, इसको जो परमुटेशन में शामिल करते हैं ना, एक छोटी सी चीज रह गई है, तो फिर वो अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा चेंज कर लें। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको परमुटेशन में धक्के देके डालना चाह रहे हो, असली तौर पर परमुटेशन नहीं है, लेकिन आर्टली अगर आप बोल दो कि परमुटेशन विद रिपीटेशन का केस है, तो फिर आप इसकी जो स्टेटमेंट है उसको चेंज करो, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट में ही लिखा होता है कि परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकिंग आर एट अ टाइम विद रिपीटेशन, और ये फॉर्मुला लिखा होता है, तो मैंने बताया चीज ही बहुत अजीब सी हो जाएगी, इसमें एन छोटा है आर बड़ा है, तो कैसे पॉसिबल है, एन ऑब्जेक्ट है उसमें से आर आपने सेलेक्ट किए हैं, आर ज्यादा है एन कम है, तो इसके स्टेटमेंट आप फिर चेंज कर दो। स्टेटमेंट इसके लिखो कि व्हेन यू हैव एन ऑब्जेक्ट एंड यू चूज देम आर टाइम्स, तो नंबर ऑफ परमुटेशन का ये फॉर्मूला है, आप ये लिख सकते हो, ठीक है। क्या मैंने बात बोली है कि व्हेन यू हैव एन ऑब्जेक्ट्स एंड यू चूज देम आर टाइम्स, आर चूज नहीं की, आर दफा चूज किया आपने, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके 40 एमसीक्यूज हैं, ऑप्शन कितने हैं, 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन तो 4 ही है ना, सेलेक्ट कितनी दफा करना है, 40 दफा करना है, तो ऑब्जेक्ट 4 बेस 4 बन गई, एन टू द आर फॉर्मूला ना, एन मतलब 4 है आपके, चूज आपको कितनी दफा करना है, आपको 40 दफा चूज करना है, तो 4 की पावर 40। इसी तरह 5 मैचेस हैं, हर मैच के रिजल्ट कितने आ सकते हैं, 3 ही आ सकते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट कितने, 3 ऑब्जेक्ट है, जीतना हारना टाई, चूज कितनी दफा आपने करना है, 5 मैचेस है तो 5 दफा चूज करना है, तो 3 की पावर 5। तो अगर आपने इसको परमुटेशन के अंदर कंसिडर भी करना है, तो फिर आप ये, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि परमुटेशन में कंसीडर किया जाता है, ठीक है, तो अगर आप कंसीडर करो तो उसके स्टेटमेंट को चेंज कर दो, फिर आप लिखोगे एन ऑब्जेक्ट है और आपने इसको आर दफा चूज करना है,
आर दफा मतलब जितनी दफा आपने चूज करना होगा, अब वो आर ग्रेटर भी हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने तीन चीजों को 10 दफा चूज करना है, कोई इशू नहीं है, रेपिटेशन अलावा यहाँ पे 10 दफा चूज करना है, अब आर ग्रेटर हो सकता है। लेकिन आप ये भी लिख सकते हैं ना कि एन ऑब्जेक्ट है उसमें से आर चूज किया आपने और रेपिटेशन अलाव है, फिर अजीब चीज होगी वो, ठीक है।